तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकागदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीसहगोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यै कीर्तासि कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रवर्णा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीवम कुरु तमन्दमतीरि दयान्वितरा। तमादि देवम करुणानिदानम कमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम जन प्रवचन तमन प्रीतम अपेत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेतु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे। सब हाथ उठाकर बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से। राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मिथलीला प्रभुष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथलीला प्रभुष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे घर घर में प्रभु जाकर के मक्खन चोरी कर रहे थे। एक दिन मैया जसोदा बोली लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन होगा। बोले क्यों शादी मेरी नहीं होगी। बोले बताओ तेरे को बहू कौन देगा। पूरा ब्रज में हला हो गया तू घर घर में मक्खन चोरी करता हो बताओ चोर को कोई अपना क्या बेटी देगी। लगता है तू जिंदगी भर कुंवारा ही कुंवारा रहोगे तेरे शादी बाजी कुछ नहीं होगी। कृष्ण तो बड़ी चक्कर में पड़ी गई। बोले देखो हम जगत में जो कुछ करते ना शादी के लिए हाँ बताओ इतना बढ़िया लिखाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो बढ़िया से शादी हो जाए।
नौकरी चाकरी क्यों करते हो? बढ़िया से शादी हो जाए, अच्छे तरह से मकान क्यों बनाते हो? हमारी शादी हो जाए। देखना सब कुछ शादी के लिए करते हैं, हैं? और मैया कहती है तेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण बोले बड़ा गड़बड़ी हो गया, बोले मैया को ऐसे प्रूफ देना पड़ेगा, हैं? मैया को ऐसे प्रमाण देना पड़ेगा, मैया को विश्वास हो जाए मैंने घर घर में पत्थर नहीं चोरी करता हूँ। देखो कृष्ण कितने सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो। बोले भैया ये बताओ, सबरे होते ही तुमने मेरे को गैया चराने के लिए मधुबन भेजा, और सारा दिन गैया चराते चराते शाम को घर में आया, दिन भर गैया चराया शाम को घर में आया, और रात भर तेरे गोद में सोया, सोया था कि नहीं बता? बोले हाँ सोया। बोले बता मैंने मक्खन कब चोरी की, बता मक्खन कब चोरी की? भैया ने देखा बात है, सही बात बताया। बोले मैं बालक भैयन को छोटो कहीं भी बिची के पायो, सुन भैया मोरी मैंने माखन का। बोले भैया ये बताओ मक्खन कहाँ रखते हैं? चिक्के के ऊपर में, और मैं इतना छोटा सा बालक कितना उम्र है? बोले 3 साल का बालक हूँ, बताओ मेरे हाथ कैसे सिक्के के ऊपर गया? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगता है कहाँ जा गया? बोले भैया ये जो सखा लोग हैं ना, फूल तो मक्खन खाते हैं खाते, और मेरे मुंह में ना जोर जबरदस्ती मक्खन लगा देते, और तू बड़े जल्दी ये सखाओं के चक्कर में तू आ जाती, लगता है मैं तेरे लालाई नहीं, मेरे को कोई जन्म देकर कोई फेंक दिया था, और तुमने वहां से उठा करके लाए और अपना घर में पल रहे हो, इसलिए सारा दुनिया मेरे को मक्खन चोर कहते हैं, और तुम भी मेरे को मक्खन चोर कह रहे हो। इसलिए जब इतना बोल दिया ना, फिर तो मैया के हृदय एकदम पिघल गया। फिर मैया कहती नहीं नहीं लाला, तुमने मक्खन नहीं खाया, तुमने मक्खन नहीं खाया। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो। बदला देते हैं, बोले नहीं नहीं भैया मैंने मक्खन खाया, मैंने मक्खन खाया। ऐसे ही कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को कोई भी पकड़ नहीं पाती। एक दिन एक गोपी, नई गोपी, वो बड़ी लिखी बड़ी थी, बड़ी लिखी बड़ी, बड़ी चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण तो घर घर में मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन कोई भी उनको पकड़ नहीं पाते। बोले आज मैं देखता हूँ कैसे कन्या मक्खन चोरते, वो लिखी पड़ी है ना, वो सवेरे सवेरे लठिया लेकर घर के सामने पूरा एकदम बैठ गई, देखती हूँ कौन आता है। अभी कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में आए और उनने एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगा करके देखा ये गोपी वो लठिया लेकर बैठी हुई, वहां से बिस्तर से हटे ही नहीं। फिर कृष्ण दूसरे चक्कर लगाए, लेकिन वो गोपी हट नहीं रही है। फिर कृष्ण जब तीसरे चक्कर लगाए ना, बोले कन्या आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, चोरी कैसे करोगे? कृष्ण बोले मैं तो किसी
सुबह काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दी। बोले सारे नाड़ी नक्षत्र तेरे पता मेरे को, तो कहाँ क्या करता नहीं करता। अगर ये गली में देख कर कल आया ना, देखना सीधा पकड़ करके मैया के पास में ले जाऊंगी। कृष्ण तो दूसरे दिन ही वो गली में आना छोड़ दी। बोली ये गोपी तो बड़ी जोर जबरदस्ती लिखी पड़ी गोपी लगता है, लेकिन ये गोपियों को कृष्ण को देखे बगैर चैन कहाँ पड़ती है। इसलिए गोपी गीत में गोपियां गाती हैं, त्रुटि जुगायते त्वां वपसतां। मतलब है जैसे आंखों का जो पलक झपकी है ना, पता नहीं पड़ता कब पलक झपकी, लेकिन इतना समय भी अगर कृष्ण का दर्शन नहीं होना, कृष्ण जो बड़ी मीठी मीठी बंसरी बजा करके कृष्ण गैया चराते हुए ब्रज में आते हैं, जितने गोपियां सब घर से बाहर निकल जाती और कृष्ण को दर्शन करती हैं। कृष्ण का मुख कैसे कमल जैसे, बोले घुंघडाली केस कैसे जैसे भौरा मंडरा रहे हैं, गैया का खूर से जो धूल उड़ा वो कैसे, हम लोग पाउडर लगा देना वो पाउडर जैसे, कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण लगते हैं। लेकिन पलक झपते पता नहीं चलता है, गोपियां कहती हैं मानो त्रुटि जुगायते, लगता है ये करोड़ युग हो गया कृष्ण का दर्शन नहीं किया। बोले ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आते ही नहीं, अरे कृष्ण को देखने के लिए दो ही आंख, फिर उसमें पलक बीच बीच में झप रहा है, इसलिए ये पलक को काट कर फेंक दो। जब कृष्ण को दर्शन करो ना, एकदम मछली जैसे पूरा आंख खोल करके दर्शन करते रहो, हैं मछली के आंख जैसे पलक नहीं झपती है ऐसे ही। अभी इनको चैन कहाँ पड़े पड़े कृष्ण को बिना देखे। अभी जब तीन प्रहर हो गया कृष्ण वो गली में नहीं आए, अभी गोपियां तो तड़पड़ाने लगी। बोले आज सारा दिन वो मक्खन चोर का मुंह नहीं देखे, सब गोपियां झुंड के झुंड बना करके बहाना बना करके मैया जसोदा के घर में आ गए। बोले मैया जसोदे, बोले कहाँ बात है, बोले लगता है ये गोकुल छोड़ करके हमें और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्या हो गया, बोले तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोली एक काम करो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, ये अंधकार में रख दो ना, घर मेरे लाला ही नहीं जाएगा घर में। बोले भैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले लाला का शरीर में जो अलंकार को पहना था ना हीरे जवाहरात, वो घर में अंदर में घुसते ही अपने आप अलग हो जाता है। बोले इसको क्या निकाल दो, बोले तेरी सौगंध में हाथ मत लगाइयो। बोले फिर, बोले एक काम करियो, मेरे लाला छोटो से है 3 साल का, वो छिके के ऊपर रख दो, मेरे हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले भैया हम वो भी करके देख लिया। बोले फिर घर में कोई छीना कोई सीढ़ी बना कर रखे हुए। बोले बनाने का जरूरत नहीं, तेरे लाला खुद बना देता है। बोले कैसे, बोले ताऊ भैया थोड़े मोटे से उनको नीचे बैठा देते और मधुमंगल उसको ऊपर चढ़ जाए और श्रीदाम उसको ऊपर चढ़ जाए तो खुद ऊपर सबसे ऊपर चढ़ जाता है। हैं, अगर हाथ पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो डंडे से इसे मार करके फोड़ देते हैं और एक बूंद नीचे गिरने नहीं देते, सब चट्टा लेते हैं अंदर में। भैया बोले एक काम करो, जो नीचे मटकी में ना कोई चीज को मत धरा करो और ऊपर वाले मटकी में कुछ मत धराओ, बीच वाले मटकी में दूध दही जो कुछ बीच वाले रखना, फिर तो चोरी नहीं कर पाएगा। बोले मैंने भैया को भी हमने किया। बोले फिर, बोले डंडे लेकर के ना इसे मारते हैं, जिसमें माल होगा ना वो तो आबाद नहीं होगा और जिसमें माल नहीं होगा उनको बता देता भैया माल इसी में बाप उसको ही फोड़ते हैं। इसलिए भैया बोले देखो एक काम करियो, मेरे लाला जितने तुम्हारे घर में मक्खन खाता है ना, मेरे घर से दोगुने दोगुने ले जाया करो। बोले भैया तेरे आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं। वो शिकायत करने नहीं जाती थी, शिकायत करती जैसे मैया इधर कृष्ण इधर हैं, और मैया को तो बोलेगी ना, लेकिन देख रही थी कृष्ण को और बोल रही थी इधर, क्योंकि वो शिकायत करने के लिए नहीं। जब कृष्ण घर में आए तब तो दर्शन किया है, लेकिन जब कृष्ण चले जाते ना छटपट छटपट करने लग जाती है कृष्ण को देखे बगैर। क्यों, ये जो गोपियां कोई स्त्री नहीं, कहते ये आनंद चित्मय रस प्रतिभाविता भी, राधा रानी ही कृष्ण सेवा के लिए अपना एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपी रूप धारण दिया। ये गोपियां कोई स्त्री नहीं, ये वेद का मंत्र ऋषि मुनि
करोड़ों करोड़ों साल की तपस्या से इस सबके साथ ये गोपी बन करके आए हैं। फिर मैया को कन्या को दर्शन करके खुश होकर फिर गोपियाँ चली आती हैं। एक समय कोई है कि गोपी के घर में कृष्ण गए, वो गोपी ने क्या कि पहले तो दूध दही मक्खन रख दी और घर के कोने में छुप करके बैठी, बोले आज कन्या को बाहर करके रखूंगी। जब घर में कृष्ण आए बोले पहले मक्खन खा ले। क्यों मक्खन किसके लिए बना कर रखे? वो कृष्ण के लिए ही बना करके रखे। बोले पहले ये मक्खन को खा ले, उसको बाद में घर में इनको पकड़ूंगी। जब कृष्ण खा लिया ना, वो गोपी जा करके छत पकड़ लिया कृष्ण को, बोले आज कहाँ जाओगे, आज घर में तेरे को बांध करके रखूंगी। बोले ये खंभे को ऊपर हाथ रख। कृष्ण जब हाथ रखे अपना चोटी से रिबन को निकाले, एक लपेटे, लेकिन जब लपेटने जा रहे ना, कृष्ण का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल हो, बंधने में नहीं जाए, खिसक जाए। इतने में कृष्ण कहता है, बोले गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले तेरे को क्या, जब तक तू बंधी नहीं जाओगे बांधना कैसे सिखाओगे? बोले लाला तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या? बोले सिखा दे। बोले रख खबे में हाथ रख, अभी सिखाता हूँ। कृष्ण एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ, गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्या तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपना प्रेम में बांध देता हूँ। बोले लाला खोल दे। बोले मैया अभी तक तो मैं किसको खोलना सिखाई, अभी तो मैंने सबको मैंने बांधना ही सीखा। इतने में कृष्ण अंगूठा दिखाए ना तो प्यार वहां से होंगे, कृष्ण वहां से भाग गए। ऐसे ही कृष्ण ब्रज में हर घर घर में प्रभु ऐसे मक्खन चोरी कर रहे हैं। बोले कृष्ण मक्खन चोरी क्यों करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? बोले भगवान मक्खन चोरी करने नहीं जाते थे, बोले सबका हृदय को चोरी करने जाते थे। ऐसे ही एक गोपी बोलती थी लेकिन मैया मानती नहीं। बोले मेरे को रंगे हाथों से पकड़वा कर दिखा दे, फिर मैं मानूंगी। बोले ठीक है। वो गोपी पहले से ही कोने में बैठ गई चुप करके और रख दी सामने मक्खन। जब कृष्ण मक्खन खाए, इतने में कृष्ण को तो उन्होंने पकड़ लिया। बोले चल मैया को पास में, तेरी मैया मानती नहीं। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा। बोले नहीं चल मैया के पास में। बोले तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सांस की, तेरी खसम की, तेरी ननद की, तेरी जेठ की, तो आज छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ दे, चल सीधा। मैया मानती नहीं। बोले चल और क्या करेंगे, अभी कृष्ण को लेकर के आए। अभी सामने नंद बाबा बैठे हुए, नंद बाबा लगते हैं जेठ, जेठ की जो पर्दा करते कि नहीं है, आप भी पर्दा करते, सब तो खत्म हो गया, लेकिन ये गुजर से गुजरी का लोग है ना, ये गुजरी अभी पर्दा करती है, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है पर्दा करना, ये हमारे भारतीय संस्कृति है। अभी जेठ को पर्दा करते हैं, अभी जेठ को देख कर पर्दा करती और कृष्ण को सर के ऊपर में कपड़े से ढकती। बोले स्त्री स्त्रियों में बात है, पीछे दरवाजा से फिर मैं शिकायत कर लूंगी। लेकिन कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण भगवान है। कृष्ण वो है को नहीं, नहीं को है कर सकते हैं। जब कपड़ा ढक दिया ना, कृष्ण उसका बेटा ही बन गए। मैया दूसरे दरवाजा से आई। बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है? बोले तुम मानती नहीं, तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है, आज मैं तो रंगे हाथों से पकड़ा करके लाई हूँ। उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को थप थप लगा कर पलंग में सुला रही थी। बोले मेरे लाला तो सो रहा है, ये फिर किसको लेकर के आई है? भैया बाहर निकल कर गई। बोले कहाँ बात है? बोले तेरे लाला को पकड़ करके लाई। बोले लगता है तू बावरी बन गई, मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है। बोले अंदर में कैसे सो रहा है, मैं तो पकड़ करके लाई। वो गोपी अपना घूंघट को खोली और वो बच्चे को पर जो कपड़ा ढक कर रखे तो खुला तो देखा अपना बेटा। कृष्ण अंदर में सो रहे थे और आंख मलते मलते आए। बोले भैया तू देख ली कि गोपी कितने झूठ बोलती हैं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, अगर ये से झूठ बोलेगी ना मैं सचमुच से जाऊंगा। वो गोपी बोली भैया ये दरवाजा तक तो कृष्ण था, कपड़े ढकते ये बदल गया कैसे, ये बदल कैसे गया? इतने में वो गोपी जब वापस आ रहे थे ना, दूसरे रास्ता से कृष्ण घूम करके आ गए। बोले क्यों गोपी, कहा बात है? मैंने कितने तेरे पांव पड़ी, तेरे सांस की, कसम की, नणंद की, जेठ की,
तुमने मानी नहीं ना, देखा तेरे बेटे को आज मैंने चोर बना दिया, भविष्य में कभी मेरे को लाओगे ना तेरे खसम को चोर बनाऊंगा। बोले लाला तू जीत गया, मैं तो हार गई है। ऐसे ही कृष्ण मखन चोरी कर रहे थे। एक दिन गोपियों ने मिट्टी की, बोले कृष्ण को किसी तरह से पकड़ में नहीं आता, क्या चक्कर है, वो कभी बदल जाता है कभी क्या बन जाता है, हैं? और कब पता नहीं कब फिर मक्खन खा कर कब चला जाता पता ही नहीं चलता। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले एक जो छिके है ना, वो छिके ऊपर बेल बांध दो, जब कृष्ण मक्खन खाएगा फिर बेल की आवाज होगी, फिर पता चलेगा कृष्ण आया, फिर उनको पकड़ेंगे, उसका फिर हम पकड़ेंगे। जब उन्होंने ऐसे की, इतने में कृष्ण मक्खन चोरी करने के लिए आया, देखा वो छिके के ऊपर में बेल लटक रहा है। कृष्ण वो बेल से बात किया, भैया तू कौन हो? बोले मैं आपका दास हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले बताओ दास का प्रभु का प्रति क्या कर्तव्य है? बोले आदर से पालन करना। बोले देख जब तक मैं ये मक्खन खाऊंगा तब तक बजना नहीं, जब मैं मक्खन खाकर चला जाऊंगा खूब बजते रहेगा। बोले ठीक है प्रभु जी। कृष्ण मक्खन नीचे उतार उतार करके जब मक्खन खाने लग गया ना, वो बेल अपने आप बज उठे। कृष्ण बोले क्यों बज रहे हो? बोले प्रभु आपको पता नहीं जब तक तो घंटी नहीं बजती तुम्हारे भोग में नहीं लगती है, हैं? ठाकुर को भोग लगा तो घंटी बजाते कि नहीं? बोले ये बजे बगैर तुम्हारी भोग कैसे लगेगा? इतने में कृष्ण जल्दी जल्दी मक्खन खाएगा, नौ दब ग्यारह वहां से होते। ऐसे ही कृष्ण मक्खन घर घर में चोरी करते थे। एक समय एक गोपी गई जमुना में पानी भरने के लिए, गई तो जब घर में आया ना, देखा कृष्ण बैठकर मक्खन खा रहा है। बोले पता नहीं ये पता नहीं हर समय रूप बदला देता है, मैया को बुला करके आज दिखाऊंगी। उन्हें दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया, चाबी काठी लेकर गई। जब गई मैया जसोदा के पास में, देखा वहां पर कृष्ण कुछ नटखट कर रहा था घर में, और मैया जसोदा उसको उखल में बांध करके रखा। बोले ये क्या? उसको मैंने ताला बंद करके घर में आया, चाबी काटी हाथ में, यहाँ पर बंधा पड़ा कैसे? क्या ब्रज में कृष्ण दो तो हो गए? ये आश्चर्य बात फिर दूसरी गोपी को घर में जब पहुंचे ना, देखा वो गोपी कृष्ण को गोद में बैठा करके मक्खन खिला रही। बोले ये क्या, ये ब्रज में क्या तीन तीन कृष्ण हो गए? फिर जब उन्हें तीसरी घर में गए, देखा उसकी बच्चे को साथ में खेलते हुए। अभी जिस घर में जाए उसी घर में प्रभु को अलग अलग लीला करते हुए देखे। इतने में वो गोपी तो एकदम बेहोश हो गई प्रभु की लीला देख करके। जब होश आया ना, कृष्ण कहते गोपी ये मत समझो मैं केवल तुम्हारी घर पे ही मक्खन चोरी करता हूँ, ऐसे नहीं हर घर घर में मैं जा जा करके मक्खन चोरी करता हूँ। क्यों लोग, तुम लोग मेरे को बड़े प्रेम से बुलाती है ना, इसलिए कहती है ना, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया सा। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा। थोड़ी थोड़ी मटकी में भोली भरी गई के, थोड़ी थोड़ी मटकी में भोली भरी गई अति को, तेरे लिए दही करी राखी नंदलाल आयो गोपाल दर्शन की चाची को चलिया। अरे आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल गोपी, तुम लोग मेरे को बड़े प्यार से तुम लोग मेरे को भुलाती हो, अब बताओ मैं कैसे तुम्हारे घर में नहीं आऊं? इसलिए घर घर में केवल तुम्हारे घर में नहीं, सबके घर में जितने गोपियों को घर है ना, उतना रूप धारण करते हुए सबके घर में मिलीला करता हूँ। हाँ देखो प्रश्न है, भगवान ये मक्खन क्यों चुराते?
इसका तात्पर्य क्या है? इसका नाम है मखन। ये मख मतलब होता है क्रोध और न मतलब नहीं। भगवान किस चीज को चोरी करते हैं? बोले जहां जिसकी हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं। बोले किसकी हृदय में नहीं? बोले ये गोपियों का हृदय में नहीं। चोरी कौन करता है? जिसके घर में कुछ नहीं होना, ये तो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तभी उन्होंने चोरी किस चीज की करेंगे ना, ये चोरी क्यों करेंगे? वो चोरी नहीं, गोपियों के हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे। इसलिए हमारे वल्लभाचार्य ने पूरा एक अष्टक उन्होंने चौराकर गणम बोले हैं। इसलिए बोले प्रचे प्रसिद्ध नवनीत चौरम, अनेक जन्माजित पाप चौरम, गोपी कना नाम तुकुल चौरम। बोले चौराग्र गन्नम पुरुषम नमामि। बोले कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण सबसे बड़े चोर ये कृष्ण है। किस चीज की चोरी कर सकता है? किस चीज की चोरी करते हो? बोले मन को चोरी करते हैं, पाप को चोरी करते हैं, हमारे दुख कष्ट को चोरी करते हैं, हैं? हमारी चित्त को चोरी करते हैं। इसलिए साधारण चोर तो रुपया पैसा चोरी करता है, लेकिन ये कहते कृष्ण कौन है? बोले ये सबसे बड़ा चोर है जो हमारी हृदय को चोरी करते हैं। अब लोग का हृदय को चोरी किया था, इसलिए तुम लोग घर बार छोड़ छाड़ कर यहाँ गई है, पागल आपको बना दिए है, पूरा पागल ऐसे बनाया, ऐसे तीर चुराया, सब दुनिया छोड़ कर छाड़ करके कथा में आ गए। तभी तो कथा में आओ ना। हाँ देखो संत लोग एक बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं, कृष्ण मक्खन चोरी क्यों करते हैं, क्या रहस्य है? आप लोग घर में मक्खन बनाते हो? बताओ तो कौन कौन घर में मक्खन बनाते हो? हाथ उठाओ। सबके सब घर में मक्खन बनाते हो? तुम लोग गुजर ही है ना, इसलिए सब मक्खन बनाते हो। इसलिए हाँ कहती है मक्खन का कैसे बनता है? पहले पहले दूध को लाओ, दूध को गर्म करो। ये गर्म करना मतलब है क्या है? जब किसके हृदय में भगवत प्राप्ति की जब कोई उत्कंठा जगे, तब यही दूध को गर्म करना। कब भगवान मिले हमें, कब ठाकुर जी मिले, कब ठाकुर जी मिले, ये जो उत्कंठा को यही दूध गर्म है। अभी दूध गर्म हो गया, उसके बाद में क्या? उसे जमन डालो। बोले जमन क्या है? बोले हृदय में जब भगवान को पाने का उत्कंठा हो, फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। और सदगुरु से जो भगवान का मंत्र को ग्रहण करते हैं, यही जमन है, यही जमन है। उसके बाद में क्या करो? अभी दही जम गया, उसके बाद में बोले उसको मंथन करो। उसको क्या करो? उसको मंथन करो। बोले मंथन मतलब क्या? बोले गुरु जी से तो हरिनाम ले लिया है, गुरु जी से माला ले लिया। अगर ये माला को अगर ऊपर में लटका कर रखोगे, फिर क्या प्रभु के पास में चले जाओगे? अगर ये माला को ऊपर लटका कर रखोगे तो क्या ठाकुर के पास में चले जाओगे? इसलिए क्या करो? गुरुदेव ने जो हमें हरिनाम दिया है, वो हरिनाम नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी को गुरु जी दिया है हमें। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम प्राप्त करना और भगवान से मिलना कोई अलग बात नहीं, वो एक ही बात है। इसको बाद में क्या करो? फिर उसका मंथन करो। मंथन मतलब क्या है? बोले साधन। मंथन मतलब होता है साधन करना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बार जोर कर आप बोलो, मैं सुनूंगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है और ये हरिनाम को लेकर क्या करो? बोले किया जप किया सबे करिया निर्बंध। ये हरिनाम को नियमित पूर्वक ये हरिनाम की माला करो। अगर एक दिन ही हमने माला जप नहीं की जान तो इसका मतलब क्या हो गया? समझो जैसे एक दिन अगर तुम कपड़ा मत बदलाओ, रात भर सोई कपड़ा नहीं बदला, स्नान नहीं किया है, अपना श्रृंगार नहीं की, भोजन नहीं की, अच्छा लगेगा तुम्हें? कहते एक दिन जब हम भगवान के नाम नहीं किया माला में, गुरु जी कहते हैं
आज ये सारा दिन ये माला है ना, ये भूखे रह गए, भगवान को खिलाए नहीं, भगवान को पिलाए नहीं, भगवान दिन भर ठाकुर जी भूखे रह गए ठाकुर जी। इसलिए रोज नियमित करके माला को, रोज नियमित करके माला को जप करो, और यही माला है तो साथ में जाएगा और कुछ जाने वाले नहीं। ठीक है, सबके सब हरिनाम करना, भले ही एक दिन गुरु जी कहते थे भले ही एक दिन भोजन मत करो, भले ही एक दिन खाना मत खाओ, लेकिन हरिनाम नहीं छूटे। क्यों क्यों, गुरुदेव कहते थे साथ में तो जाएगा यही ना, और तो कुछ जाने वाले नहीं। इसलिए भले ही एक दिन भोजन छोड़ दो, नहीं खाए कोई बात नहीं, लेकिन माला नहीं छूटनी चाहिए। दुनिया छूट जाए और एक दिन ये दुनिया तुमसे छूटेगा, ये दुनिया तुमसे अलग होगा, लेकिन भगवान की माला नाम ही साथ में जाएगा। ठीक है, इसलिए नियमित करके भगवान की नाम जप करनी चाहिए। कहते ये इसको कहते ये मंथन, जब इसको मंथन करोगे ना, फिर देखोगे एक तरफ में छाछ और एक तरफ में मक्खन। बोले ये मक्खन क्या है, कहते ये प्रेम। जब हृदय में भगवान के प्रति तुम्हारी प्रेम हो गया ना, फिर तुम्हें भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान फिर तुम्हारे पास में भगवान आएंगे। इसलिए ये गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों को पास में आया करती थी। कहते इसका यही, इसका मतलब ही ये मक्खन चोर है। एक दिन मैया यशोदा सोच रही हैं, भैया मेरे लाला घर घर में क्यों मक्खन चोरी करता है, क्या मेरे घर का मक्खन खट्टा होता है और दूसरे घर का मक्खन मीठा होता है। एक दिन मैया सोची, आज मैं स्वयं अपना हाथों से मैंने मक्खन बनाऊंगी, और जितने सेविकाए थी ना उनको बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग चले जाओ, मैं आज मक्खन बनाऊंगी। मैया यशोदा अच्छे तरह से दूध को गर्म किए, और 9 लाख गैया में 8-10 गैया थी जिसको कहते पद्मगंधा। पद्मगंधा मतलब, पद्मगंधा मतलब होता है, ध्यान दे कृष्ण, कहते जिस गैया की केवल कान काला रंग की हो उसको कहते, ऊपर आ जाओ पक्का इधर आ जाओ। इसलिए जिस गैया की केवल कान केवल काला रंग का हो, कहते उसी गैया की दूध से कमल फूल का खुशबू निकलता है, और ये गैया सहज में नहीं मिलती है। नंद बाबा के पास में कितने गैया थी, 9 लाख। 9 लाख गैया में केवल 8-10 गैया ऐसे थी जिनकी कान केवल काला रंग हो, मतलब ये जो गैया है ना सहज में ये गैया नहीं मिलती। और एक गैया होती है जो गैया की रंग पूरा के पूरा काला हो, कोई भी उसमें दूसरे कोई दाग नहीं हो, उसको भी कहते ये कपिला गावी कहते उसको, है उनका भी दूध का विशेष महत्व है। अभी मैया यशोदा अपना हाथों से ही उन्होंने दूध को निकाल करके अच्छे तरह से उन्होंने गर्म करवाया, और उन्होंने जमन डाल करके जमवाए, और सवेरे सवेरे उठ करके मैया यशोदा हाथों में दधि मंथन कर रही है, और इधर भगवान की कीर्तन कर रही थी। बोले गोविंद दामो धरमाधवेती, 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 गोविंद दामो धरमाधवेती। हरे कृष्ण हे जा तव हे सखती, गोविंद दामो धरमाधवेती, हे कृष्ण हे जा तव हे सखती, गोविंद दामो धरमाधवेती। इधर काम कर रही है हाथ में, और उधर ठाकुर जी की नाम ले रही है। मैया यशोदा शिक्षा देती है, हाथों में तो काम करो और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी की नाम लो। कोई भी कहते ना हमारे पास में समय नहीं होता भजन करने के लिए, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे समय की जरूरत नहीं, काम किस में करते हो, मुंह में तो करता है ना, हाथों में तो कोई, मुंह में तो कोई काम नहीं करता हो, फिर हाथों में क्या करो, ठाकुर को सेवा मान करके हाथों में करो,
और मुंह में जो कुछ करो ठाकुर जी की नाम, फिर समय की क्या जरूरत है, समय की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तब भी माला में कुछ माला निर्दिष्ट करके माला में कुछ नाम जप करनी चाहिए। इतने में अगर कोई हाथों में काम और भगवान के नाम मुंह में लेना, बोले इसका फल क्या है, बोले भगवान कहीं नहीं रह सकते, भगवान वहाँ आना ही पड़ेगा। इतने में कृष्ण सो रहे थे, अभी उनका नींद खुल गई, धीरे धीरे पलंग से ऊपर से नीचे उतरे, मैया को पीछे पकड़ लिए, बोले मैया मैया मेरे को दूध पिला दे, मेरे को भूख लग रही है। मैया बोली लाला तेरे को दूध भी पिलाऊंगी मक्खन भी पिलाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी रुक जा क्योंकि सूर्य उदय होने पर गर्म हो जाएगा, फिर मक्खन नहीं निकलेगी। कन्या बोले मैया मेरे को भूख लग रही है, अभी मेरे को दूध पिलाओ। इतने में सामने आकर के ना रई को पकड़ ली, मैया देखा बड़ा बुद्धिमान है, फिर मैंने कृष्ण को गोद में लेकर के उनको दूध पिला रही थी। इतने में चूल्हे के ऊपर में उन्होंने दूध भी गर्म करके रखा था, धीरे 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 दूध उफन उफन करके आग में गिर रहा था। बोले आग में क्यों गिर रहा था, बोले लगता है मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैया के स्तन में इतने दूध है जिसको खीर समुद्र कहते हो समा जाएगा, और कृष्ण का पेट कितना बड़ा, विश्व ब्रह्मांड पेट में, मतलब कृष्ण का पेट भी नहीं भरेगा, मैया के स्तन से दूध भी खत्म नहीं होगी, लगता है मैं कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा। अगर ये जीवन कृष्ण सेवा में नहीं लगा ना, इतने में वो दूध उफन उफन करके आग में गिर रहे। देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अगर ये जीवन को तुम कृष्ण सेवा में नहीं लगा पाए, अगर ये जीवन को तुमने भगवान के नाम करने में नहीं लगा पाए, पर जीवन को क्या करो, बोले अग्नि में छलांग ला रहे मर जाओ। वो कहते जीवन रखकर कोई लाभ नहीं, क्या खाने पीने के लिए जीवन तुमको मिला, क्या दूसरे जीवन में तुमको खाना पीना नहीं मिलता था। एक सुअर को देखो, एक साथ में 10-10, 15-15 बच्चा जन्म दे रहे हैं, हमने कितने बच्चे जन्म दे दिया, खाने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, वो कौन सा परिश्रम करता है। इसलिए खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना बड़ा करना ये हर जीवन में करते करते आए। अगर इसी जीवन पा करके अगर 2-4 बच्चे को बड़ा करके अगर छोड़ दिया गया तो कौन सा बड़ी बड़ी काम तुमने कर दिया, कौन सा तीर तुमने मार दी तुमने। इसलिए शिक्षा देती है अगर ये जीवन को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाए, हरिनाम नहीं कर पाए, आग में छलांग लगा मर जा, वो जीवन को मत रखा करो, मना कर देती है, रख करके पूरे पृथ्वी का भार ही बनोगे और कुछ नहीं। इसलिए वो अपना अग्नि में वो छलांग लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन ये मैया तो बड़े दयालु, बोले आग में छलांग मत लगाओ, तेरे को कृष्ण सेवा में लगाऊंगी। बोले कन्हैया गोद से थोड़ा उतर जा। बोले क्या, अभी आधा पेट नहीं भरा, बोले गोद से उतर जा, भर पेट खिला करके मेरे को फिर गोद से उतारो। मैया सोच रही है इधर दूध भी उफन रहा है, उधर भूत भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे हैं, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले पहले जो दूध उफन रहा है ना उसको बचाऊं। बोले क्यों, बोले मेरे स्तन में जो दूध कृष्ण बाद में भी पी लेगा, लेकिन अगर ये दूध अगर उतल करके आग में गिर जाए ना कहते बच्चा का अंकल होता है, फिर ये मलाई नहीं होगी, फिर मलाई नहीं होगी तो फिर मक्खन कहाँ से होगा, और मक्खन नहीं होगा तो कन्या खिलाऊंगी। बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जाओ, उतना नहीं चाह रहे थे, जोर जबरदस्ती बैठा दिया। जब दूध को रक्षा करने के लिए गई, बोले कितने दूध रक्षा करोगे, अभी मटकी को मैं पलट दूं, पकड़ करके हिलाया, हिलाई नहीं, पत्थर पड़ा हुआ था मारी, मटकी फूट गई और बन गया था छाछ, धीरे धीरे निकलने लगा, बड़ा खुश हो गया, मटकी फोड़ दी, फिर देखा मैया को पता चलेगा ना, एक डंडा नीचे नहीं सब पीठ को गिर दिया। फिर उन्होंने दूसरे घर में गए, उखल को पर खड़े होकर के फिर मक्खन को उतार उतार करके कौए बंदर को दे रहे थे। मैया जसोदा आकर के देखा मटकी फूटी हुई, बोले ये गया बदमाशी कहा, देखा फिर बंदर कौओं को फिर मक्खन मिला रहा है, और ज्यादा क्रोध आ गया, डंडा लेकर के बोले इसको दंड देनी चाहिए, गया कहा। इतने में जब जा रहे थे पकड़ने के लिए कृष्ण छलांग लगाए और मेन रोड में निकल गए। क्यों मेन रोड में निकल गए, पहले माताएं कोई भी घर से नहीं निकलती, कहते स्त्रियां पहले ऐसे होती थी पर्दा करती थी, कहते सूर्य चंद्र भी माताओं को दर्शन नहीं कर पाती थी, इसलिए स्त्रियां कभी घर से बाहर नहीं जाती थी। कृष्ण सोच रहे थे मैया तो बाहर नहीं जाएगी, मैं तो भाग जाऊंगा, लेकिन उसी दिन था दीपावली,
सबके सब ब्रजवास चले गए थे गोवर्धन पूजा के लिए हैं, दीपावली बनाने के लिए। बोले तू कहाँ जाओगे, आज कोई पुरुष नहीं ब्रज में, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। पीछा की कृष्ण को, लेकिन कृष्ण तो बच्चे भागते हुए जा रहे हैं और मैया थोड़ी सी मोटी सी थी, थोड़ी सी जब चली ना हाँफने लग गई। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैया को कितना दूर तक भगाऊं। मैया बोले लाला खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो, अभी मारू फेंक करके। कृष्ण बोले मैया मैं तो खड़े है जाऊंगो, लेकिन हाथ से पहले लठिया फेंक दे, मेरे को डर लग रहा है। बोले तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी। कभी कभी पूजा करती कि नहीं, बच्चों को पूजा करती कि नहीं, करती हो तो बीच बीच में कि नहीं, इसलिए बोले तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को मैं पूजूंगी। इतने में जा करके कृष्ण को पकड़ लिए, बोले बता सच सच बताओ ये मटकी फोड़ी किसने। बोले मैया मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले किसने फोड़ी। बोले तू प्यारे में इतने मोटे मोटे कौड़ूले पहन करके बैठी ना, जब तेजी से जा रही थी और कौड़ूले लग करके मटकी फूट गई। बोले बड़ा दुष्ट मेरे नाम पर दोष लगा रहा है। बोले बताओ बंदर को खिलाया किसने। बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बंदर का दोस्त हो है, इसलिए तू बहुत बड़ा चोर बन गए। कृष्ण बचपन में सुना था उनको एक मामा जी का नाम था चोर को है। बोले मैं तो नंद राजा का बेटा हूँ, तेरे घर में कोई चोर होगा। मेरे घर में कोई चोर नहीं, मैं तो नंद राजा का बेटा हूँ। बोले तू बंदर का दोस्त हो। बोले छोड़ दे, बंदर के साथ में रहूंगा। कृष्ण बड़ी क्रोध में थे। बोले अगर ये सचमुच से चला गया तो जंगल, अभी बड़ा क्रोध में। बोले थोड़ी समय के लिए उसको मैं बांध कर रख देती हूँ। जब मैया उखल में बांधने के लिए गई, उसमें दो अंगुलों कम पड़ रहा है, किसी तरह से ये दो अंगुल पूरी नहीं हो रहा है। और एक रस्सी लाए, और एक रस्सी लाए, ब्रज का सारे रस्सी समाप्त तो हो गया, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं सकी। इतने में मैया मन मन में ठाकुर जी के चरण में शरणागति हो गई। बोले प्रभु मेरे लाज को तो बचाओ। तो भगवान कृपा करके बंधन का स्वीकार किया। हाँ देखो इधर देखो, कहते इसमें ये दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था, इसमें तीन अंगुल कम नहीं पड़ा, इसमें चार अंगुल नहीं। जितना बार बांधने के लिए जाए ना, तो जितना बार बांधने के लिए जाए कितना अंगुल कम पड़ रहा था, कितना अंगुल कम पड़ रहा था, दो अंगुल कम पड़ रहा था। बोले ये दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था। हाँ देखो ये चीज समझो, कहते जो पहला अंगुल है ये मैया की चेष्टा, सवेरे से लेकर के शाम तक हो गया। बोले जब तक तेरे को बांधू नहीं, तब तक नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी अंगुल क्या है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा, भगवान कब कृपा करेंगे, ठाकुर जी कब कृपा करेंगे। देखना आपका घर में जैसे बच्चा है, जैसे बच्चा सो रहा है, अब इसका नींद खुल गया, फिर बच्चा रोता है मैया मेरे को गोद में ले ले दूध पिला। अगर मैया घर का काम कर रही है, सोच रही है कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद में लाला को दूध पिला दूंगी, लेकिन जब बच्चा देखता है ना थोड़ी रो करके मैया आ नहीं रहा है, बच्चा और थोड़ा जोर से रोता है, मैया मेरे को गोद में उठा करके ले, मैया सोचती अभी अभी खाना बन जाएगी, अभी अभी लाला को दूध पिला दूंगी। जब बच्चा देखता है ना मैया उठा ही नहीं रहा है, फिर तो एकदम लौट पर उठाने लग जाता है जोर जोर से। हैं इतने में मैया क्या करती है, जितना काम कर रही है सारे काम को वहीं रख लेती है, फिर बेटे को गोद में उठा लेती है। देखो यही चीज सिखा दे रहे हैं, कहते जब तक हम नहीं रोएंगे ना तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। है क्या करना पड़ेगा, लेकिन इस संसार के लिए तो बड़े जल्दी आंखों से आंसू आ जाती है, लेकिन भगवान के लिए कोई हमारे आंसू नहीं आती है, ठाकुर जी के लिए आंसू नहीं आती है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे भैया रोना सीखो, क्या सीखो, क्या सीखो, रोना सीखो। जब तक नहीं रोगे ना तब तक ठाकुर जी की, तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, इसलिए ये पहला अंगुल रोना है। मतलब भगवान को पाने के लिए तुम्हारे अंदर में तड़फड़ा है, और दूसरे अंगुल क्या है, अरे ठाकुर जी की कृपा होगी, इसलिए जब ये दो अंगुल मिलेगी ना फिर जा करके तुम्हारी काम बनने वाली। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। इतने में मैया जब बांधी ना, सामने देखा ये जमलार जी नु वृक्ष है,
ये नारद उनकी अभिशाप से ये वृक्ष बने हुए थे। कृष्ण ने कहा था जब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे नारद जी ने इनकी चरण की स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। कृष्ण ने सखाओं को बोले देखो उखल को धक्का मारो और कृष्ण धीरे 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 घुटन पर चलते चलते गए। और जब उन्होंने ये दोनों वृक्षों को बीच में कृष्ण जब होते हुए चले गए और ये उखल अटक गया हाँ कभी ये उखल अटक गया पेड़ में, कृष्ण से थोड़ी सी उन्होंने ताकत लगाए ना दोनों वृक्ष दोनों तरफ में धड़ाम करके गिरे, इतने जोर से गिरे जैसे लगा जैसे कहीं वज्रपात है, जैसे कहीं वज्र जैसे गिरा। अभी दोनों वृक्ष से वो जो नाल कुबेर मुनि गिरी, ये पूर्व जन्म में कुबेरे का बच्चे थे, दोनों निकले भगवान को सुंदर स्तुति की और परिक्रमा करते हुए उन्होंने चले गए स्वर्ग में। इतने सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, नंद बाबा दौड़ दौड़ करके आए, देखा लाला बीच में फंसा पड़ा हुआ, फिर नंद बाबा जल्दी जल्दी उनको खोल दिए बंधन से और हाथों में एक लड्डू दे दिया। बोले लाला तेरे को बांधा किसने? बोले मैया ने। बोले खोला किसने? बोले बाबा ने। बोले खूब मैया 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 करते हो, बताओ अभी किसको पास में रहोगे? बोले बाबा को पास में रहूंगा, मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती रहती है। इतने में मैया जसोदा आ गई, नंद बाबा बड़ी जोर से डांट लगाई, बोले अरे एक दो मटकी तो तोड़े होंगे और तो कोई बात नहीं, और उसी के लिए इतना बड़ा दंड है, कितने कष्ट से ये लाला मिला, भगवान की आशीर्वाद से पेड़ कैसे इधर उधर से गिरे, अगर इधर उधर होता ना लाला तो खत्म हो जाता है। बोले लगता है तेरे को मटकी दूध दही में ज्यादा आ सकती है, तुम इसी को लेकर लहा करो, मैं तो दोनों लाला को लेकर के मैं तीर्थ जा रहा हूँ। मैया तो दुखी हो गई, अगर सचमुच से चले गए तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इतने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में गए और धारस्वत दूध जानते हो, जैसे गैया को दोहन करना दोहो देखना, वो दूध गर्म रहता है, वो दूध गर्म होता है और उसमें मिश्री मिलाकर पियो ना बड़ा मीठा लगता है। और गैया का दूध तो दोहो करके पहले ऐसे करते थे एकदम दोहन करके उस समय पी लेते थे हैं, वो सबसे बेस्ट दूध होता है, उसमें मिश्री मिला करके दोनों बालकों को नंद बाबा पिला दी। अभी शाम को वापस आए, जब आए अभी घर में लड़ाई हो गई, नंद बाबा जसोदा में लड़ाई हो गई, एक कोने में मैया बैठ करके रो रही है, दूसरे कोने में श्री नंद बाबा बैठ करके कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के बैठे हुए। अभी कोई तीसरा व्यक्ति हो जो कि इनकी लड़ाई को खत्म कराए। बोले तीसरा व्यक्ति कौन है? बोले माता रोहिणी। रोहिणी सोच रही है अगर श्री कृष्ण को नंद बाबा का गोद से लेकर के और जसोदा की गोद में छोड़ दिया जाए ना, ये सारे लड़ाई समाप्त तो हो जाएगी। इतने में मैया रोहिणी श्री बलदेव प्रभु को बोले, बोले दाऊ के काम कर, बोले बताओ। बोले कृष्ण को नंद बाबा की गोद से लेकर के मैया की गोद में छोड़ दो, ये सारे झगड़ा तुम्हारी मिट जाएगी। इतने में श्री बलदेव प्रभु बोले कन्या कन्या चल मैया के पास में चल। जब उन्होंने कृष्ण का हाथ को पकड़ना, कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, उन्होंने एक झटका मारे तो वहीं पर श्री बलदेव प्रभु गिर पड़े। रोहिणी बोली लाला बड़ा तू क्रोध में हो। बोले बताओ मैया को गोद में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती रहती है। बोले ये बताओ अगर मैया को पास में नहीं जाओगे तो दूध कहाँ से मिलेगा? दूध तो बाबा को पास में मिलेगा नहीं, दूध कहाँ मिलेगी? मैया को पास में दूध कहाँ से पियोगे? बोले धारसुन दूध में पिताजी मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोगे किसको गोद में? जब तक कृष्ण माँ की गोद में नहीं सोते थे ना उनको नींद नहीं आती थी। बोले सोगे किसको गोद में? बोले बाबा का गोद में सो जाऊंगो। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले ताऊ भैया को साथ में खेलूंगो। बोले मैया को पास में? बोले नहीं, मैं मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती रहती है। इतने में रोहिणी बोली अगर आप मैया को पास में नहीं जाओगे, अगर मैया ऐसे होगी तो मतलब मैया अगर मर गई फिर क्या होगी?
जब कृष्ण सुना अगर मैया के पास में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो कन्या को रहा नहीं गया। फिर पिताजी की गोद से उठ करके मैया 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 करते करते सीता मैया की गोद में लेट गई, और मैया कन्या को गोद में पा करके फूट फूट कर रोने लग गई, और वहाँ जितने गोपियां थी ना सब के सब रो रही थी। कृष्ण ऐसे ही संपूर्ण ब्रज को इतने मीठी मीठी प्रभु लीला करते थे, सारे ब्रज को उसने डुबो करके रखे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भजन गाए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकुर, ब्रज वन का सब पुष्प है मधु करे गोकुलचंद्र। अब बताइए कन्हैया से प्यार कौन कौन करते हैं? वाह, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सभी लोग करते हैं, गुजरी कुछ हम गुजरी है ना, अच्छी बात है। तो देखिए सौभाग्यशाली वो नहीं है जो कि अपने बाल से प्यार करते हैं, खाल से प्यार करते हैं, चाल से प्यार करते हैं। सौभाग्यशाली तो वो है जो मेरे नंदलाल से प्यार करता है। देखिए संत वो नहीं है जो कि केला को घुमा करके मौसमी बना दे, मौसमी को घुमा करके केले बना दे, वो तो जादूगर है। लेकिन संत वो है जो दुर्जन को यूं घुमा करके सज्जन बना दे। तो आइए कन्हैया से प्यार जो लोग करते हैं, ये जन्म बड़ा अनमोल है, इसलिए सभी लोग राधे राधे बोलेंगे। Oh,
मैं अपने Thank you.
इसलिए राधे राधे बोलना जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूँ राधे राधे बोल रहे जगह मान बोल रहे लेकिन बोलने को ना आते कुछ बेटियां तो राज रही है और सब ऐसे बैठे हैं। थोड़ा इस पर हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा कर आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, अरे जोर से हाँ प्रेम से बोलेंगे। अभी मजा कर सभी हाथ उठाएगा लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर माताएं एक एक माताएं दो दो व्यक्तियों को माताओं का धागा घेर कर बैठी है। सब आगे आ जाओ, सबके सब और थोड़ा आगे आ जाओ, सब पीछे लोग बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा, उधर थोड़ा रास्ता रख लो, जो लोग आए ना वो माता जी को बोलो थोड़ा रास्ता खाली करके बैठे, जो सबके सब उस तरह में आ जाओ। हरे कृष्णा, हाँ जब कृष्णा उखल उदुखल को बंधन है, जब उन्होंने उखल मैं बंद करके चमलार्जुन वृक्ष को तोड़े, अभी सारे ब्रजवासी एक मीटिंग बुलाए, बोले लगता ही ये गोकुल हमारे रहने के लायक नहीं रह गया, चलो हम गोकुल छोड़ करके और कहीं चलते हैं, क्योंकि पहले ये राक्षस लोग तो हाथ धो करके पड़े गए थे, अभी तो ये पेड़ अपने आप गिरने लग गया लाला गोबर में। सबसे जो पुराना गोकुल का नाम था उपानंद, बोले ये पास में यमुना की उस पार में एक सुंदर जगह है जिसका नाम श्री वृंदावन, बड़ा सुंदर धाम है, बड़े सुंदर पेड़ पौधा लता पत्ता फल फूल, गैया को खाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर घास है, और वहाँ पर फिर बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर सुंदर मैदान, चलो हम वृंदावन चलते, बोले आज ही चलो टिटरा फिटवा दो ब्रज में गोकुल में, और जितने ब्रजवासी सबके सब तैयारी हो गई, और जितने सब बड़े बूढ़े ब्रजवासी थे उनको बैलगाड़ी में बैठा दिया, और जितने जवान गोप थे सब धनुष बाण लेकर के सज धज करके जा रहे हैं वृंदावन। जब काली गैया चल रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात यमुना नदी बह रही, जब सफेद गैया चल रही थी लग रहा था जैसे साक्षात गंगा नदी बह रही है, और एक बैलगाड़ी में कृष्णा बलराम
मैया रोहिणी और जसोदा बैठे हुए थे एक बैलगाड़ी में। अभी कृष्णा 3 साल 2 महीना थी। अभी रास्ता में जो कुछ देखे ना उससे पूछते जाए, बोले मैया मैया ये पेड़ का नाम क्या है जिसमें बड़े बड़े ताड़ी है? बोले लाला इसका नाम बरगद का पेड़ है। बोले मैया ये पेड़ कौन सा जिसमें सारे पत्ते हिल गए हैं? बोले लाला ये पिपल का पेड़ है। बोले मैया मैया देख 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 कितने सुंदर है चिड़िया और कितने सुंदर कुहू तो कितना बड़ सुंदर बोली बोल रहा है। बोले भैया ये चिड़िया का नाम क्या? बोले लाला इसका नाम कोयल है। बोले मैया देख कितने सुंदर चिड़िया सारा शरीर में चित्रकारी है। बोले मैया ये चिड़िया का नाम क्या? बोले इसका नाम मोर है। बोले मैया एक का पूछ नहीं ये क्या है? बोले जिसका पूछ है ना ये पुरुष है और जिसकी पूछ नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले बिना पूछ वाली ये पूछ वाली की बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया ये कौन सा जानवर है जिसके शरीर में बड़ी सुंदर चित्रकारी है? बोले लाला इसका नाम हिरण है। मैया एक का तो सींग और दूसरे का सींग नहीं। बोले ये क्या है? बोले जो सींग है ना ये पुरुष और सींग नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले बिना सींग वाली ये सींग वाले के ये बहू लगती है। बोले मैया सबके बहू मेरी बहू खान इसलिए मेरे लिए भी एक बहू ला दो। इसलिए कभी कभी कृष्ण मचल जाते हैं। हाँ कितना राधिका गोरी सी धीरज की छोरी सी मैया कर दे मेरे ब्याह। और कृष्ण मैया को ना जाने कितना मनाते हैं। बोले मैया ऐसे बहू लाओगे जो कभी तुम्हारे सामने घूंघट नहीं खोले और तुम्हारी प्यार दबाएगी और तेरे को ना शादी हो जाएगी ना तेरे को चंदन के चौक के ऊपर बैठा रख कर रखूंगी, तेरे को कुछ भी खाना काम करना नहीं पड़ेगा और मेरी जो बहू आएगी ना सारे काम वही बहू ये सारी काम को ये बहू करेगी है। बोले मैया ऐसे बहू लाना गोरी सी लाना और मेरे से छोटी सी होनी चाहिए। बोले नाक सुप की जैसे होनी चाहिए। बोले जैसे थाला में भर भर करके मेरे को खिलाए। अगर कभी मान कर लेना तेरे पास में शिकायतें नहीं करे। अगर कभी मैं डांट लगा दूं जैसे तेरे पास में कभी शिकायतें नहीं करे। कृष्ण ऐसे ऐसे वर्णना करती हैं। बोले मैया ये सखाओं को बरजात्र में मत लेना, कहीं अगर मेरे शादी की बात चले ना ये पहले जाकर के पता नहीं क्या शिकायत कर देती है मेरे शादी नहीं हो रही। ब्रज में कोई भी मेरे को शादी करने के लिए तैयार नहीं है। सखाल को चुगल करते हैं, इनको बरजात्री में इनको ले जाया मत करना। ए बच्चा बैठे या चुपचाप हरे कृष्ण। इसलिए कृष्ण कहते मेरे लिए भी एक बहू ला दो। बोले चिंता मत करो चलो वृंदावन में चलो वहीं पर तेरे को हम शादी करा देंगे। अभी कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले ये वृंदावन कैसे? बोले सर्वकाल सुखावन, जहाँ पर गर्मी नहीं जहाँ पर ठंडा नहीं जहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष है जहाँ पर भूमि चिंतामणि जहाँ पर वृक्ष कल्प वृक्ष जहाँ पर पानी अमृत। अगर वृंदावन में कोई बोली बोलते हैं ना लगता है बड़ी सुंदर भजन गा रहे। अगर कोई चलते हैं वृंदावन में लगता है बड़ी सुंदर रूप में कोई नृत्य करता है, हैं? इसलिए वहाँ पर बड़ी सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है और वृंदावन में एक वृक्ष में हर तरह का फल है। एक वृक्ष में चीकू फल है, उसमें पपीता उसमें आपेल सब एक वृक्ष में मिलता है और हर वृक्ष में हर तरह का फूल मिलता है। एक वृक्ष में हर तरह का पत्ते भी मिलता है और वहाँ का वृक्ष कहते कैसे है? बोले वृक्ष वहाँ के कल्प वृक्ष, जो कुछ मांगो वो वृक्ष तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर देती है। बोले श्री वृंदावन धाम की। अभी कृष्ण जब 4 साल को हो गए ना एक दिन पिताजी को बोले पिताजी आप बड़े बूढ़े हो गए हो, अभी घर में रह करके बैठ गए आप भजन करो। हम कृष्ण बलराम अभी हम बड़े हो गए हैं, हम चाहते हैं हम गैया चराने के लिए जाए, अब कब तक ये सब काम करते रहोगे? नंद बाबा हृदय से इतने प्रसन्न हो गए। देखो अगर कोई बच्चा पिताजी को बोले पिताजी आप बड़े बूढ़े हो गए हो घर में बैठ कर के भजन पूजा करो हम बच्चे लोग सारे काम को संभालेंगे, बताओ पिता कितना खुश नहीं होगा? खुश होगा कि नहीं पिता? बोले वाह बड़े सुंदर बच्चे हैं।
इतनी अच्छी बात कहते हैं। नंद बाबा का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, नंद बाबा का हृदय। लेकिन नंद बाबा ने बोले, देखो बच्चों, हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं गैया चराने का, इसलिए तुम लोग घर में रहो। पर नहीं पिताजी, हम तो ग्वाला हैं, हमारा कर्तव्य गैया की सेवा करना, इसलिए हम गैया चराने जाएंगे। पिताजी बोले, ठीक है, तुमको गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले ये बछड़े को ले जाओ और आस पास में घुमा फिरा कर खेल कूद करते हुए चले आओ। सांडिल्य ऋषि को बुलाए, पंचांग को देखे, बोले कौन सा दिन बढ़िया दिन रहेगा, बोले ये गोपाष्टमी बहुत अच्छा दिन है, इसी दिन कोई शुभ काम करनी चाहिए। अभी कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए जाएंगे, मैया कह रही है, बोले लाला, तेरे को देखे बगैर मैं प्राण कैसे धारण करूंगी। बोले क्यों, जब बच्चों को साथ में मैं खेलने के लिए जाता हूँ तब भी तो तू घर में रहती है ना। बोले लाला, जब बच्चों को साथ में तू खेलता है ना, देखना बच्चे लोग बड़े जोर से किलकारी मारते हैं। बोले जब तू किलकारी मारती है मारते हो, मैं घर में बैठ बैठ करके तेरे आवाज को सुन सुन करके चीतों को मैं सांत्वना देती हूँ। बोले भैया, कोई चिंता मत करो, मैं भले ही जितने दूर क्यों गैया चराने नहीं जाऊँ, इतना दूर से मैं इतने जोर से किलकारी मारूंगा ना, तू घर में बैठे बैठ कर सुनोगे। इसलिए नंद गांव में एक स्थान है, उसका नाम है टेर कदम। टेर मतलब भुलाना। इसलिए कभी कभी कृष्णा कदम वृक्षों के ऊपर चढ़ करके कभी गोपियों को बुलाया करते थे बंसी से, कभी सखाओं को, कभी गैयाओं को, है कभी कभी मीठी मीठी बंसी ध्वनि से, जैसे कृष्ण गैया चराते चराते आ गए। जैसे देखो मेरे तरफ में ये माला हम जब करते हैं ना, इसमें कितना मोती है, कितने मोती है, 108 मोती है। कृष्ण को पास में भी ऐसे एक माला था जिसमें 108 मोती। हम तो भगवान के नाम जब करते हैं, जानते हो ठाकुर किसका नाम जब करते हैं, भगवान भक्तों का नाम जब करते हैं। जब सारी गैया आ जाती थी और वहाँ पर जो गैया की जो ग्रुप थी 108 ग्रुप थी, कृष्ण एक एक मोती को मिला मिला कर देखते थे ये गैया की ग्रुप आ गई कि नहीं, दूसरे मोती मिला कर देखते थे ये गैया की ग्रुप आ गई कि नहीं। अगर कोई गैया नहीं आती थी ना, फिर कृष्णा कदम वृक्ष के ऊपर में फिर धवली, श्यामली, कृष्णा, नंदिनी, ऐसे ऐसे एक गैया का नाम लेकर पुकारते थे। जब कृष्ण किसी गैया का नाम बंसरी में पुकारे, दूसरी गैया पास में मांग कर लेती, बोले कृष्ण तो उसी गैया का नाम को पुकारे, मेरे नाम नहीं लिया। अभी वो मान कर जाती थी, वो आती नहीं, फिर कृष्ण क्या करते थे, फिर बंसुरी से फिर दूसरी गैया का नाम बोलते थे, वो भूस होकर पूछ खड़े करते हुए फिर भागते हुए सबके सब आते थे, और कृष्ण सबको वहीं पर इकट्ठे करके फिर उनको घर में वापस लाया करते थे। इसलिए कृष्ण एक समय बछड़े को चराते चराते पहुंच गए कहाँ, बल पहुंच गए खैरा में। वहीं पर जब कृष्ण गैया बछड़े चराते चराते गए, इतने में एक बकासुर आ गया, लग रहा था जैसे इंद्र मानो किसी पर्वत का पंखों को काट करके गिरा दिया, इतने बड़ा लग रहा था। कृष्ण जब पास में गया ना, पकड़ करके उन्हें निकल गया। सखा लोगों ने बोले, भैया हमारे सखाओं को खा गए, और खायोरी खायोरी, अभी भी एक गांव का नाम है खायोरी। फिर वो अंदर में जब कृष्ण गए, जैसे लोहे को गर्म करके गर्म किया तो उसने उल्टी कर दिया। फिर जब कृष्ण को खाने के लिए आया, कृष्ण दोनों चोंच को पकड़ कर चीर दिए, इसलिए उस गांव का नाम अभी है चिल्ली। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गए, एक विशाल सर्प है अघासुर, अजगर सर्प मुंह फाड़ करके बैठा हुआ कंस भेज दिया। सखाओं ने देखकर डर गए, भागने लग गए, अरे कोई अजगर सांप मुंह खोल कर बैठा हुआ। जो बड़े बड़े सखा थे बोले, पागल हो गया, इतना बड़ा कभी सांप देखे हो है, इतने बड़े कभी सांप देखे हो। बोले फिर, बोले लगता है कोई सुंदर एक गुफा है, किसने ये गुफा को किसने बनाया। बोले अगर सर्प हो तो चिंता क्यों करते हो, कृष्ण है ना साथ में, जैसे बकासुर को मारा इसको भी मार देंगे। अभी जितने सखा लोग थे अंधेरे में चलने लगे। सर्प का जीवा बड़ी गुदगुदी होती है, जीवा कितनी गुदगुदी। बोले भैया लगता है यहाँ तो कोई कारपेट बिछा करके रखा है,
बोले हाँ बड़े सुंदर कारपेट है। जीव सर्प का दो जीवा होता है, एक सखा ने कहा भैया इसमें दो जीवा क्यों, एक ने कहा तेरे को पता नहीं, एक का अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का। बोले लगता है कोई साधु संत शायद भजन कर रहे हैं अंदर में, वो तो श्वास बंद करके बैठा हुआ था, जब उसने धीरे 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 श्वास छोड़ाना, श्वास गर्मी गर्मी होता है। बोले भैया गर्मी हवा कहाँ से आ रहा है। बोले लगता है अंदर में शायद साधु कोई भजन करते हैं, शायद प्राणायाम आसन प्राणायाम करते हैं, ऐसे करते 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 अंदर में जा रहे थे। कृष्ण सबसे पीछे था, वो सोच रहा था कृष्ण आए थे हम उनको आज मुंह बंद कर दूंगा। कृष्ण तो दूर से देख करके समझ गए ये अघासुर। बोले सखाओ अंदर में मत जाया करो, ये अघासुर है। लेकिन सारे सखा ऑलरेडी अंदर में चले गए। कृष्ण देखा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक में तो सखाओं को बचाना, दूसरा इसको बंद करना। जब कृष्ण अंदर में गए उसको मुंह में जा करके कृष्ण अपना विराट रूप उन्होंने बनाया, इतना विशाल रूप बनाया उसको मुंह ही बंद नहीं हो पाया, और वहीं पर इसका ब्रह्म तालु फट गई और वहीं पर उसने प्राण त्याग दी। कृष्ण अमृतमय दृष्टि से उन्होंने सखाओं को उनका प्राण दान करवाए। जब उसका मुंह कृष्ण मुंह से निकले, कृष्ण जब राक्षस को बध किया, सारे देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे थे और भगवान कृष्ण की जयकार दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। जब उन्होंने जयकार दिए ये धीरे धीरे ये ब्रह्मा लोग तक पहुंचा। इतने में ब्रह्मा उत्तर करके आकर के देखा कृष्ण इतने बड़े अघासुर को मार डाले और उसका ज्योति आकर के कृष्ण का शरीर में प्रवेश किया। ब्रह्मा बोले भैया ये बच्चा कौन है जो ये ब्रह्म ज्योति भी शरीर में लीन हो जाए। ब्रह्मा आगे थोड़ी सी लीला देखने के लिए उन्होंने बछड़े सखाओं को चोरी की, कृष्ण अपना शरीर से ठीक वैसे सखा और बछड़े को उन्होंने सत बनाया और कृष्ण स्वयं स्वयं को साथ में लीला कर रहे थे। ब्रह्मा ये काम करके जब ब्रह्म लोक में पहुंचा, कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर के बैठ गए ब्रह्मा के आसन पर और दरबार को बोल दिया मेरे जैसे कोई आए ना घुसने मत दिया करना। जब ब्रह्मा जब स्वयं आए इनकी नौकर लोग डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े। बोले भैया ये क्या बात, मेरे नौकर मेरे को क्यों भगा रहे हैं। ध्यान लगा करके देखा कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठ गए। एक तो ब्रह्मा भगे वहां से और आते जाते एक साल हो गया है, एक साल हो गया आते जाते। फिर जब उतर करके आए देखा कृष्ण पहले जैसे लीला कर रहे ऐसे लीला कर रहे। ब्रह्मा जी सोचे मैंने इनके सखा बछड़े को गुफा में बंद करके रखा, फिर क्या कृष्ण ले आए। फिर देखा नहीं वैसे को वैसे। फिर उन्होंने दोनों तरफ में एक तरफ में देखा तो कृष्ण दिखाया देखो ये सखा और कोई नहीं, मैं स्वयं ये सखा बछड़ा बना हुआ। वो तो एक नारायण की नाभि कमल से की जन्म था। देखो अनंत करोड़ नारायण चारों तरफ में आप ब्रह्म नारायण नारायण नारायण। फिर ब्रह्मा को पता चला भैया ये मेरे बाप का भी ये मेरे बाप है। फिर ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरण में प्रणाम किए हैं और बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से स्तुति करते हैं। देखो हम इसमें दो श्लोक सुनेंगे। उन्होंने जो स्तुति कर रहे हैं ना बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, प्यारी प्यारी बात बता रहे थे। हम ध्यान दे करके ये चीज को अच्छे तरह से समझो। बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवति सन्मुखरीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितम श्रुतिगतम तनुवाग मनोभी जे प्रायस अजीत जीता पीस्त्रलक्यात। बोले हे प्रभु कहते भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब होता है जिनको पाना बहुत ही कठिन है। प्रश्न है फिर क्या भगवान मिलेंगे नहीं। बोले ना मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे, सबके सब ध्यान देकर देखो मेरे तरफ पर देखो इधर उधर मत देखो। कोई एक माता की कोई साड़ी पहन कर कोई आ जाए ना सब उधर देख लेते हैं कैसे साड़ी पहन कर जाए। हरे कृष्ण। इसलिए ध्यान देकर सुनो ये दो श्लोक सुनो अच्छी बात है। अगर ये दो श्लोकों का आप अगर याद कर लोगे, याद नहीं अगर समझ लोगे ना
फिर तो जीवन में सुखी सुखी हो जाओगे, फिर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। हैं यहाँ पर बताए पहले पहले तो सारे अभिमान को त्याग दो, मैं ऐसे हूँ, इतने ज्ञानी, इतने पंडित, इतने विद्वान, कहते पहले सारे अभिमान को त्याग दो। प्रभु की भजन करने के लिए महाप्रभु कहते हैं त्री से भी घास से भी दीन ही बनो, हर पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए, सबको यथा योग्य सम्मान दो, कभी स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो। अगर भजन करना चाहते हो सारे अभिमान को त्याग दो, और जीवन में जो कुछ आता है उसका किसके ऊपर दोष नहीं दे करके अपना कर्म का फल मान करके भोग करते रहो और भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भक्ति कभी छोड़ना नहीं। और स्थाने स्थिता कहते भगवान की भक्ति कैसे करे, बोले ठाकुर जी तुम्हें जिसी अवस्था में रखते हैं उसी अवस्था में रह करके भजन करो। जैसे किसको बोलो ना अच्छा भजन करो माला जप कर, बोले अभी समय नहीं आया है। बोले क्या समय है, बोले बेटी बेटा बेटियों का शादी हो जाएगा ना, जब इनकी शादी भादी हो जाएगा, जब सारे काम को हम सेटिंग कर देंगे, सारे संसार को सेट कर देंगे, फिर तो जा कर के भजन करेंगे। बताओ ये दुनिया में अभी तो कोई सेट हो पाया है? हम बेडरूम को सेट करते हैं, डाइनिंग रूम को सेट कर देते हैं, किचन रूम को सेट करते हैं और स्वयं अपसेट रहते हैं। कहते सारे काम को जब निपटा लेंगे ना, हमारे सारे काम जब निपट जाएगा भजन करेंगे। बोले तू निपट जाओगे तेरे काम नहीं निपटेगा। भाई अभी किसने काम को निपटा भैया बताओ, कोई निपट पाया इतने काम को? अभी तो किसने नहीं निपट पाया, रावण जैसे व्यक्ति भी निपट नहीं पाया। हाँ देखो हम किसको बोलते ना भजन करने के लिए, अभी क्या भजन करेंगे, ये कोई भजन करने का उम्र है? हाँ जब रिटायर लाइफ हो जाएगा तब भजन करेंगे। देखो ध्यान देकर सुनो, जिस समय भगवान राम रावण को मार दिए, अभी रावण भूमि में पड़ा हुआ मरने वाला, इतने में भगवान राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये राम बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाओ उसको पास से कुछ ज्ञान को लेकर के आओ। लक्ष्मण गया हाथ जोड़ करके बोला, बोले भैया रावण राम ने भेजा आपको पास में आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए, मेरे को कुछ ज्ञान की बात बताओ। रावण कहता है लक्ष्मण जिंदगी में मैं दो भूल कर लिया, लेकिन तू कभी जिंदगी में ये दो भूल नहीं करना। बोले पहला भूल किया, बोले मैं सोच रहा था कि जो समुद्र का पानी पूरा का पूरा खाली है, हाँ पृथ्वी में एक भाग पर स्थल और तीन भाग जल, तीन भाग समुद्र जल है, आप देखना तीन भाग तो समुद्र जल है लेकिन ये किसका प्यासा नहीं बुझा सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत नमकीनी है, वो किसका प्यास नहीं बुझा सकता था सकता है। कहते मैं सोच रहा था ये समुद्र पानी को पूरा के पूरा मैं मीठा बना दूं, मैं कर सकता था, लेकिन सोचा कर लूंगा कोई बात नहीं है कर लूंगा। दूसरा काम सोच रहा था स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बना दूं, क्योंकि सारा दुनिया चाहते हैं मैं स्वर्ग में जाऊं, हैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं था, स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ी बना सकता था, लेकिन ये दो काम मेरी अधूरा रह गई। अगर ये दो काम को मैं कर लेता है ना, लोग जब समुद्र का पानी पीते बोले भैया ये पानी को मीठा किसने बनाया, बोले रावण ने बनाया, सब लोग हृदय से मेरे को आशीर्वाद देते। बोले भैया स्वर्ग के लिए सीढ़ी किसने बनाया, बोले रावण ने बनाया, वहां सबके सब अपना हृदय से मुझे आशीर्वाद देते, मैं तो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता, लेकिन मैंने सोचा कर ही लूंगा हैं कर ही लूंगा हैं, लेकिन करते करते दोनों काम बाकी रह गए हैं, दोनों काम कर लेता ना अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता। हाँ यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान की जो भजन है ना उसके लिए लेट मत करो, कहते ना कल कर सो, बोले कल कर सो आज कर सो, और इसलिए कहते पल पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब, इसलिए कह रहे जो अच्छा का जो अच्छे काम है उसके लिए कभी लेट नहीं करनी चाहिए, जितने जल्दी से जल्दी हो। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, बोले आज कर सो कल करो, और कल कर सो परसों, बोले जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, पढ़ा रहा है बरसों, अरे इतना जल्दी क्या कर रहे हो, अरे बरसों पढ़ा रहा है, अभी क्या भजन करेंगे, भजन के लिए थोड़ा लेट कर दो। नहीं यहाँ कहते भैया दूसरे काम को थोड़ा पीछे रख लो,
संसार का काम को थोड़ा पीछे रख लो, क्योंकि जो घर गृहस्थी है ना, ये बताओ कौन सा जीवन में तुमने ये संसार काम करके नहीं आए। हर जीवन में कुत्ते बने तो कुत्ती मिल गया, सुअर बने तो सुअर मिले, उसी जीवन में खाए पिए खूब विषय भोग करते करते आए। अगर इसी जीवन में पा करके अगर जीवन को यही से बिता दिया, कभी ये जीवन का कोई महत्व नहीं रहे। इसलिए कहते भैया भगवान की भजन जल्दी जल्दी करो, दूसरे संसार का काम को पीछे रख दो। क्यों? ये तुम्हारा लिए रिजर्व है, हर जीवन में तेरे को यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की भजन इसी मानव शरीर छोड़ करके और किस जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता हो। इसलिए सबके सब अगर हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा जोर जोर बोलो कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 द्वार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। देखो अगर किसकी अगर हम भलाई नहीं कर सकते है ना, किसकी बुराई भी मत करो। अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते, किसकी कभी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। देखो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवन में जो कुछ आता है, जीवन में हमारी जो कुछ चीजें आती हैं, अपना कर्म का फल समझ करके वो चीज को तुम भोग लो। और भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो, भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ा करो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, जैसे अगर भजन कर रहे हो, अगर कोई थोड़ी मोड़ी कोई दुख आ जाए ना, आप देखना खाना भी नहीं छोड़ोगे, सोना भी नहीं छोड़ते हैं, पहले ये माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठते हैं। बोले भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, हमने किया भगवान के साथ में किया, पहले माला छोड़ने के लिए, लेकिन खाना नहीं सोना नहीं छोड़ा, लेकिन माला छोड़ने के लिए तैयार बैठ जाते। देखो ध्यान देकर सुना, इसलिए ये बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हैं कि जीवन में जो कुछ आए क्या समझो, अपना जीवन का कर्म का फल मान करके भोग लो। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, हर साल को सुनाता हूँ, इसी बार भी सुना देता हूँ। कहते कोई दो भाई थे, एक भाई तो बड़ा नास्तिक, भजन कुछ नहीं करता था, और एक भाई था आस्तिक, खूब भगवान की पूजा पाठ भजन करता था। और जो भजन नहीं करता था और जो भजन करता था उसको हर समय वो खिली उड़ाया करता था। बोले ये क्या दिन भर माला लेकर बैठे हो, हैं ये हरे कृष्ण कर रहे हो, ये पत्थर को सामने क्या, ठाकुर को सामने बैठे, ठाकुर बोलते हैं, ये सब बेकार अपना समय को तो बर्बाद कर रहे हो। एक दिन दोनों कहीं उत्सव में जा रहे थे, निमंत्रण में, अभी जो भजन नहीं करता तो उसको सोने की मोहर मिल गया। बोले देखा मैं भजन नहीं करता, मेरे को सोने की मोहर मिला, तेरे को क्या मिला? और जो भजन करता था जब थोड़ी दूर गया ना, उसको प्यार में लोहे के किसी गड़ गए और खून बहने लग गया। बोले देख लिया तू इतने भजन करते हो, तेरे को मिला क्या, और मैं भजन नहीं करता हूँ, मेरे को मिला क्या? उसने कहा भैया बात सही है। वो बड़ा दुखी हो गया और उन्होंने भगवान को पुकारा, ठाकुर जी तेरे में इतने पूजा पाठ भजन करता हूँ और तुम मेरे साथ में ऐसे तू सबके सामने बेइज्जती करते हो, हैं? इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा दुखी मत हो भजन करते रहो। तुम्हारी दोनों का पूर्व जन्म की कथा सुनो, आज जिसको सोने की मोहर मिला ना, ये पूर्व जन्म में इतने पुण्य इतने दान किया था, आज का दिन राज सिंहासन में उसको राजा बनने वाला था, लेकिन वो मेरे निंदा करता है, मेरे भक्तों को निंदा करता है, उसको सारे पुण्य खत्म हो गए, इसलिए एक सोने की थैला देकर उसको वंचित कर दिया, लेकिन आज राजा बनने वाला था। लेकिन तुम्हारी जीवन की बात सुनो, पूर्व जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरी फांसी झूलने का था, लेकिन तू मेरा नाम लेते हो, तू मेरे भजन करते हो, इसलिए तेरे सारे पाप को मैंने खत्म कर दिया, खत्म करके केवल एक लोहे का सीख गड़ा करके तेरे को छोड़ दिया। ये मत समझो भजन करने वालों को दुख होता ही नहीं, अगर कोई विपत्ति आ जाए ना, ये समझो कोई बहुत बड़ी चीज होने का था, ठाकुर जी हमें थोड़ी सी एक चीज दे करके हमें
ठाकुर जी छोड़ दिया, ये चीज समझनी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज को समझो, अच्छे तरह से समझ लो ये चीज को, अपना दिमाग में ये चीज बैठाओ। जैसे घर में जैसे खेती होता है, अब देखना खेती होने पर जो गेहूं की दाना होती है, अपना घर में एक ड्रम रखते हैं और ड्रम में डाल देते हैं, और नीचे एक छिद्र होता है, जितना जरूरत वो छिद्र से उतना उतना निकालते हैं। जैसे इसी साल में तुमने गेहूं की खेती की, लेकिन गेहूं का दाना अच्छा नहीं हुआ, गेहूं का दाना हो गया छोटा छोटा, उसको भी ड्रम को अंदर में डाल दो। अभी दूसरे साल में जब खेती की, वो गेहूं का दाना हो गया बहुत बड़ा बड़ा, अभी उसको भी ड्रम को अंदर में डाल दो। आप लोग बताओ, जब नीचे से गेहूं निकालोगे, बताओ कौन सा गेहूं पहले आएगा, बताओ। आप लोग कथा सुन रहे कि नहीं, ना दूसरों को साड़ी दे रहे हो, बताओ। पहला साल में जो खेती हुई छोटा छोटा गेहूं हुई उसको भी डाल दिए, और दूसरे साल में खेती हुई गेहूं का दाना बड़ा बड़ा हुआ उसको भी डाल दिया। नीचे से जब निकालोगे गेहूं, पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, छोटा निकलने का बड़ा निकलेगा? क्यों छोटा क्यों निकलेगा, छोटा क्यों निकलेगा? तुमने यहाँ पर बड़ा गेहूं को डाला, वो बड़ा गेहूं निकलना चाहिए था ना, तब वो छोटा गेहूं निकला क्यों, बताओ क्यों छोटा गेहूं निकला, बोलो छोटा गेहूं क्यों निकला, बड़ा गेहूं क्यों? हाँ देखो, यही चीज को दिमाग में बैठाओ। जैसे अभी हम भजन कर रहे हैं, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए अगर थोड़ी सी कोई करता है ना, उसी के लिए मैं इतना करता हूँ। सुदामा जी ने कृष्ण को क्या दिया, दो मुट्ठी चिड़वाड़ दिया और तो कुछ नहीं दिया, लेकिन ठाकुर जी उसको क्या दिया, त्रिभुवन का राज्य दे दिया। त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने अंगुल को केवल बैंडेज कर दी, भगवान ने क्या किया, भरी सभा ने उनको लाज बचाया, लाज बचाया गिरी। अगर भगवान के लिए कोई थोड़ी सी करना, ठाकुर हमारे लिए इतना करते। हरे कृष्णा, यहाँ पर कोई बच्चे है, वहां से एक चेयर ले आओ, तो कौन है, तो एक चेयर इधर ले आओ, कौन है, बोले श्री रामचंद्र प्रभु की। प्रभु जी को रास्ता दे दो, प्रभु जी को रास्ता दे दो, प्रभु जी को सबके सब रास्ता दे दो प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसलिए कहते, इसलिए हम जो कुछ करते हैं, अगर भगवान के लिए इतना कर दो ठाकुर जी हमारे लिए इतना करेंगे। इसलिए भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, इसका फल हमें जरूर मिलेगा, इसका फल कहीं जाएगा नहीं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, चेयर कहाँ है, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर से हाथ, जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र प्रभु की। देखो आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, आज प्रभु जी हमारे पास में आए, इनको जानते हो, कौन कौन जानते हो? कहते हमारे जो दिल्ली मठ है ना, श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ के प्रभु जी इंचार्ज हैं। कहते हमारी जो सोसाइटी की ये माँ है, ये भैया है हमारे सोसाइटी की, जिसे भैया क्या करती है, बच्चों को देखभाल करती हैं, और भैया होने पर बच्चे लोगों को कोई चिंता नहीं, पता है भैया तो हमको खिलाई, इसलिए खूब खेलते कूदते हैं, क्यों जानते हैं भैया है। देखना बच्चे लोग खाने के लिए कोई चिंता करते हैं, वो खूब मस्ती होकर क्या कर रहे हैं, वो खेलते कूदते हैं। बोले क्यों, अगर बच्चा अगर सो भी गया ना, अगर बच्चा अगर सो गया, देखना भैया क्या करेगी, जब तक बच्चे को खाना नहीं खिलाएगी भैया खाना नहीं खाती। अगर बच्चा अगर सो गया, उसको चिमट काट काट कर हिला करके उठाएगी, उठा करके बच्चे को खिलाएगी, फिर जा करके भैया जाकर खाएगी। कभी भैया बच्चे को कभी खिलाए बगैर भैया के मुँह में कभी अर्थ नहीं जाती। यदि जो रामचंद्र प्रभु जी हमारे जो सोसाइटी के ना, ये पूरा सोसाइटी हम लोग बच्चे है, हमारा हमको पता ही प्रभु जी है, इसलिए हम लोग खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं करते। हम तो खूब कथा बोलते हैं और सारा दुनिया में हम घूमते रहते हैं, हमें पता है कोई अगर इधर उधर कोई आपत्ति विपत्ति आएगा तो प्रभु जी हमें क्या करेंगे। प्रभु जी पहले यही रहते थे, इसी पास में कैलाश टोक में प्रभु जी रहते थे, पहले इनके घर में हरी कथा कीर्तन होती थी,
प्रभु जी बहुत ऊंचे पोस्ट में काम करते थे, बहुत ऊंचे पोस्ट में प्रभु जी काम करते थे। इसलिए पहले इनकी घर को हम श्रीवास हंसक कहते थे। इनकी घर में हरि कथा कीर्तन भजन सब समय में इनके घर में प्रभु जी भजन चलता था। प्रभु जी लास्ट में सब कुछ नौकरी वगैरह छोड़ छाड़ करके प्रभु जी गृह मंदिर में आए। गृह मंदिर को अभी रमण बिहारी गौरी मठ बड़े सुंदर मंदिर है। हाँ प्रभु जी बड़े सुंदर मंदिर, बड़े परिश्रम करके भिक्षा करके बड़े सुंदर। कभी बहुत सारे तो हमारे गुरु बहन गुरु भाई लोग यहाँ पर है, आप लोग सबके सब देखे हैं। बड़े सुंदर जन्माष्टमी राधाष्टमी वहाँ पर जो जन्माष्टमी होता है ना, जो सोच नहीं सकते हो हैं क्या प्रसाद है, जो सोच नहीं सकते क्या प्रसाद देते हैं। हाँ चाट मसाला आलू उसमें, हाँ देखिए बड़े सुंदर। और जो जितने खा सकते हैं जितना लस्सी वहाँ पी सकते हैं, और आसपास के जितने करीब करीब एक मील तक वहाँ लाइन लगती है, एक मील तक लाइन लगती है और ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए एक मील तक लाइन लगती है। इसलिए प्रभु जी बहुत अच्छे तरह से मंदिर को बहुत अच्छे तरह से प्रभु जी देखभाल करते हैं और सारे हमारे सोसाइटी में सारे काम प्रभु करते हैं। इसलिए हम लोग निश्चिंत होकर के, कोई चिंता नहीं हमारी, निश्चिंत होकर के हम इधर उधर प्रचार करते हैं माइक में। इसलिए प्रभु जी प्रभु जी को हमने बहुत प्रार्थना की। आपको याद होगा पिछली बार भी प्रभु आए थे, कथा सुनाए थे हैं, पिछली बार भी कथा सुनाए थे। प्रभु कृपा करके इस बार भी हमारी प्रार्थना को प्रभु जी स्वीकार किए। अभी प्रभु जी आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे, जानते हो क्या कथा सुनाएंगे। ये जो भागवत कथा है ना, हाँ ये जो भागवत कथा बहुत है, हैं ये विस्तृत है। यद्यपि ये भागवत सारे सार शास्त्र का सार है, होने पर भी बहुत है। इसलिए प्रभु जी एक इतना सुंदर आपको कथा सुनाएंगे जिस कथा का नाम बृहद भागवतामृतम। भागवत तो सारे शास्त्र का निचोड़ है, लेकिन ये भागवत का भी एक निचोड़ है। कहते क्या है, कहते ये बृहद भागवतामृतम। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाए, जब ये कथा समाप्त तो हो गई, उनकी माँ भी पास में बैठी हुई थी। बोले माँ, बोले बेटा, ये सुखदेव गोस्वामी सात सात दिन तक कितना कितना क्या क्या कथा सुनाए। मैं स्त्री जाती हूँ, मेरे पल्ले में कुछ पढ़ो ही ना, इसलिए तुम मेरे लायक कुछ कथा सुना दे है? मेरे लायक तू कथा सुना दे। तब उन्होंने थोड़ी सी समय में पूरा ये भागवत का जो सार उन्होंने सुनाया। प्रभु जी आपको भी ये भागवत का थोड़ी समय में ये भागवत का सार प्रभु जी सुनाएंगे। जिस कथा को सुनने पर जो लोग कभी बीच में आए, कभी लास्ट में आए, कोई पूरा नहीं आ पाए हैं, कहीं पूरा नहीं क्या है देखो, इसलिए कोई पूरा नहीं आ पाए, इसलिए प्रभु जी ऐसे एक सुंदर कथा सुनाएंगे जो कथा सुनने पर आपको सात दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगी। अभी पर ध्यान देकर अभी ये कथा को सुन लो, इतनी सी कथा सुनोगे सारे सार आपको मिलेगी। देखो अगर कोई कथा सुनना है ना, जो जिसको जानते हो पास में मत बैठा करो, जिसको आपस में जानते हो ना पास में मत बैठा करो, थोड़ी सी अलग होकर फिर से कथा सुनोगे, नहीं तो यहाँ भी बैठ करके दुनिया की बात करोगे। इसलिए थोड़ी सी अलग हो जाओ थोड़ी समय के लिए, प्रभु जितने समय कथा सुनाएंगे ठीक है। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु जी अभी अभी गए थे, प्रभु जी रशिया प्रचार करके आए, प्रभु जी इनकी ग्रीन कार्ड अमेरिका का है, इसलिए प्रभु अमेरिका भी प्रचार के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी अंग्रेजी, गुरु जी का समय में गुरु जी की सारे कथा को यही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते थे, इसलिए बहुत उच्च शिक्षित है, अच्छी लिखी पढ़ाई अच्छी पोस्ट में प्रभु जी काम करते थे। लेकिन उन्होंने सब चीज़ को छोड़कर भजने में लगाया। अभी प्रभु जी आपको बड़ी प्यारी कथा सुनाएंगे जिसको सुनने से पूरी भागवत कथा के सार समझ जाओगे। श्री राम इनके लिए जोरदार ताली बजा सब। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदा सगण ललिता श्री विशाखान्विता अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाये प्रियात्मने किशिमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरी गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण स्वाम शिरसा नमामि। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय पूज्यदेवाय प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्ति पददेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा जोड़े कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम जोर से हरे हाथ खाली जोर से नहीं उठाना मुझे भी जोर से बोलना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 और एक बार जोर करके बोलो फिर करते हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की ब्रज गिरिराज बाबा की जय जय श्री राधे। सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंच पे आसीत श्रीमद् भागवत कथा व्यास पूज्यपाद श्री भक्ति विधान सिद्ध महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि धनवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा यथायथ धनवत प्रणाम। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था और मैंने हरि कथा थोड़ी सी की, लेकिन उस साल में और आज में लग रहा है या तो आपकी जनसंख्या बढ़ गई है या बारात घर छोटा हो गया है। बोलो क्या हुआ है, हैं क्या हुआ भाई? इन्होंने या तो आप लोगों की जनसंख्या बढ़ गई या बारात घर छोटा हो गया। अभी पूज्यपाद महाराज जी ने थोड़ी सी आगे आगे आ जाओगे पीछे जब माता है ना थोड़ी आगे आगे आप लोग तो दो माताओं का एक की जगह खरीद कर बैठे पर सटक कर बैठ जाओ थोड़ी सी धीरे और थोड़ी लगता है बर्फ जैसे जमी चलते जाओ कोई भीड़ नहीं रहे थोड़ी आगे आ जाओ थोड़ी आगे आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जनसंख्या बढ़ गई है लेकिन कुछ बात महाराज जी कह रहे हैं आप लोगों का साइज बढ़ गया इसलिए जगह छोटी पड़ गई है। ये कथा सुनते सुनते ना इनका प्रेम हृदय में प्रेम इतना आ गया सबके सब डबल डबल हो गए सब डबल हो गए थोड़ी आगे थोड़े आगे आ जाओ। महाराज जी जहाँ भी जाते हैं कथा करते हैं तो कथा सुनने वाले डबल हो जाते हैं। ये महाराज जी के कथा करने का परिणाम है। मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों के कहने पे फल और कच्ची
सलाद खा के अपने वजन को घटाने की कोशिश कर रहा था, महाराज जी ने इतनी तारीफ की कि मैं फूल के कुप्पा हो गया एक ही समय में, कि ये कढ़ाई पे मेरे पानी गिर गया। इतनी तारीफ कर दी, चलो मुझे संतोष है कि उन्होंने तारीफ की कि मैं देखभाल करता हूँ, मठ को चलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं कथा करता हूँ, इसकी तारीफ नहीं की। अब मैं जैसा भी बोलूँगा आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि असली तारीफ तो उनकी है जो कथा करते हैं, जैसे महाराज जी हैं, उन लोगों का साइज डबल कर देती है। आज महाराज जी के कहने पे मेरे जैसा आलसी आदमी भी जनकपुरी से यहाँ आया है, तो आप मजबूरी में सुन लो, झेल लो जो मैं कहता हूँ अच्छी तरह से। श्रीमद् भागवत हमारे गौड़िया वैष्णवों का मूल ग्रंथ है, प्रमाण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम, अमलम अ मैंने नहीं, और मल मैंने गंदगी, अमलम जिसमें गंदगी नहीं। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण अमलम, ये हमारा प्रमाण है और हमारा आश्रय स्थल है। अमल का मतलब हो गया जिसमें मल नहीं है। तो पूछो मल क्या चीज है, मल क्या है? भगवान के अलावा, भगवान की अभिलाषा के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा जो कोई भी इच्छा है वो क्या है? मल है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या चीज? भगवान की सेवा की इच्छा के अलावा जो कोई भी इच्छा है वो क्या है? मल है। इसको खुद भागवत में द्वितीय अभिनिवेश कहा है। क्या बोला? द्वितीय मैंने दूसरा, अभिनिवेश मैंने जहां मन लग जाए, यहां दिल चला जाए। द्वितीय यानी प्रथम क्या है? प्रथम है कृष्ण। कृष्ण के अलावा किसी दूसरी चीज पे जैसे ही ध्यान किया तो उसका परिणाम क्या होता है? एक बार मैं परिक्रमा में गया हुआ था, ये कुंड होते हैं ना, कुंड, परिक्रमा में स्नान करने वाले कुंड, विमला कुंड नाम की एक जगह थी कोसी में, वहां पानी भरा हुआ था लबालब और सीढ़ियों पे काई थी, जबरदस्त काई। तो मैं आचमन करने के लिए काई वाली सीढ़ी पे पैर रखा, बस रखने की देर थी। जैसे ही काई वाली सीढ़ी पे पैर रखा और रामचंद्र दास अंदर, किसके अंदर? कुंड के अंदर। अब तैरना तो आता नहीं है। उस दिन मुझे याद आया कि भागवत में जो द्वितीय अभिनिवेश है उसका क्या मतलब है। द्वितीय अभिनिवेश मतलब जैसे ही नजर आपने काई वाली इस दुनिया पे रखी, जैसे ही नजर कृष्ण से हटाकर दूसरी जगह रखी, तो पैर आपका पैर पड़ा काई वाली सीढ़ी पे और आप उस अंदर, किसके अंदर? तो उसके बोला है भय के अंदर। जैसे ही भगवान से नजर हटी तो कहां पहुंचोगे? भय के अंदर। ये संसार भय भरा है, द्वितीय अभिनिवेश भयाद, उससे डर आता है, ये संसार में हम घुस जाते हैं। भगवान
श्री कृष्ण की कथा सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं। पहला स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, तीसरा स्कंद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौ स्कंद हो गए, चार दिन हो गए, अभी कृष्ण कथा नहीं शुरू हुई। कहीं ध्रुव जी की कथा, कहीं अम्बरीश महाराज जी की कथा, कहीं भरत महाराज जी की कथा, कहीं पे अनेक अलग अलग भागवत भगवान के भक्तों की कथा और भगवान के अवतारों की कथा, गंगा जी के अवतरण की कथा, भागीरथ की कथा, भगवान राम की कथा, अंत में परीक्षित महाराज जी बोल ही बैठे कि कब तक ये कथाएं सुनाओगे, मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझको क्या सुनाओ, कृष्ण की कथा सुनाओ। अब सुखदेव गोस्वामी जी सुनाते समय थोड़ा सा झिझक रहे थे, क्योंकि कृष्ण की कथा सुनाने के लिए बहुत आवश्यक योग्यता चाहिए। तो उस कथा को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी तैयारी कर रहे थे 9 स्कंद में, क्योंकि वहां 88,000 ऋषि लोग सुनने आए थे, उन लोगों के अंदर कृष्ण के लिए श्रद्धा और अधिकार नहीं था। तो 9 के 9 स्कंदों में सुखदेव गोस्वामी जी अधिकार बतला रहे थे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। फिर श्री कृष्ण की कथा सुनानी शुरू की। अब कृष्ण की कथा सुनने में एकदम डूब गए। 7 दिन तक कथा चली और कथा करने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी अपनी अंतिम शिक्षा देने के बाद उठ के चले गए। सुखदेव गोस्वामी जब चले गए, उस समय परीक्षित महाराज जी की मैया उतरा, उनका नाम अभिमन्यु की पत्नी, एक तो उसको ये दर्द सता रहा था कि आज मेरा बेटा मर जाएगा, 7वां दिन हो गया, बेटे ने मरना है, अपने दर्द को दबाते हुए वो अपने बेटे को बोली कि बेटा एक बात नहीं समझ आई, 7 दिन तक ये इतना बोले, अच्छा बोले, कथा सुनाई, सुनने में आनंद भी आया, पर कोई आदमी कुछ बोलता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, वो कहना क्या चाहते थे, सुखदेव गोस्वामी जी कहना क्या चाहते थे, 7 दिन तक ये बतलाओ। सार बतलाओ, सार, सारे वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का भाष्य और सार श्रीमद् भागवत। अब प्रश्न होता है श्रीमद् भागवत का सार क्या है, सार कैसे कहते हैं, समझ आती है आपको बात? किसी ने पूछा घास का सार क्या है, घास, घास जानते हो आप, घास का सार क्या है? यहाँ महाराज जी हमारे मंदिर की तारीफ कर रहे थे, मैंने कहा महाराज जी ये लोग तो इस्कॉन के मंदिर के पास रहने वाले हैं, इन्होंने असली लाइनें देखी हुई हैं, जो लाइनें इस्कॉन में लगती हैं वो वाली लाइन तो हमारे यहाँ लग नहीं सकती, इस्कॉन में तो कई दिन पहले ही रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं, सारी सड़कें पूरी की पूरी भर जाती हैं। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, अब उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आगे कुछ करके है। तो एक बार मुझे सिर में दर्द हुई तो मैं उस प्रकृति चिकित्सा केंद्र में पहुंच गया, मैंने कहा मुझे सिर दर्द हो रही है, वहाँ का डॉक्टर ने अपने आदमी को बोला जरा बाहर से घास काट के लाना, वो घास काट के लाया, उसने घास को धोया, धो के उसे मिक्सी में डालकर और उसका जूस बना के मुझे दे दिया, बोला पी जाओ इसको। मैंने कहा अच्छा होता मैं गया ही होता। अब घास काट के उसको जूस बनाया, पी लिया, मेरा आधा सिर दर्द ठीक हो गया, पूरा तो नहीं हुआ पर हो गया। तो मैंने सोचा कि घास का सहारे काटो, मिक्सी में बनाओ दूध और पी लो,
लेकिन जब मैं गौर से देखा कि घास का सार क्या है, तो मुझे किसी ने बताया, अरे भाई घास का सार है घी। हाँ, गाय घास खाती है, घास खाने के बाद दूध देती है, दूध को जमाओ तो दही निकलता, दही से फिर माखन, और माखन के बाद घी, तो घास का सार घी। तो सारे शास्त्रों का सार, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का सार भागवत, और भागवत का सार क्या है? तो उस समय परीक्षित महाराज जी ने मैया को बुलाया और बोला, देखो मैं दो कहानियां सुनाता हूं आपको, उन दो कहानियों में भागवत का सार आएगा। पहली कहानी में मैं ये बतलाऊंगा कि भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो भागवत का सार, भागवत का सार ये कि भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन है। और दूसरी कहानी में ये पता चलेगा कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त की पोजीशन क्या है, वो कहां जाता है, उसका स्थान क्या है। दो बातें याद रखोगे भागवत का सार। पहला सार कि भगवान का सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्र कौन है, और दूसरा कि जिसको सबसे अधिक कृपा मिलती है उसकी गति क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई, दो तो नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, एक ही कहानी सुना के फिर महाराज जी को दे दूंगा, आप लोगों से ध्यान से सुनना। माघ का महीना, ठंड शुरू हो जाती है, प्रयाग में यहां पे संगम है, संगम में और ज्यादा ठंड पर मेला लगा हुआ, बड़े बड़े लोग आए, भक्त लोग आए, ऋषि लोग आए बैठे हुए, नारद जी भी आए हुए। ऋषियों की बैठक में, मीटिंग में एक प्रश्न उठा कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है। जनरली लोग बोलते हैं सभी प्रिय हैं, कोई भक्तों में फर्क थोड़ी होता है। लोग बाग सारे लोगों को एक ही थैली में एक ही डंडे से हांकने की कोशिश करते हैं, सब एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक नहीं है। भक्तों का भी ग्रेड होता है, भक्तों में भी लेवल होता है, भक्तों में भी कौन कौन सा भक्त किस स्तर पे है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मीटिंग चल रही है कि भगवान सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, अंदर से तो हर कोई कहेगा मुझे करते हैं, बेकार से बेकार आदमी भी यही सोचेगा सबसे ज्यादा भगवान किसको प्यार करते हैं, मेरे को करते हैं। अगर ना भी करते हो दिल से तो यही चाहेंगे कि भगवान सबसे ज्यादा प्यार मेरे को करे। अब नारद जी उठे ये विश्वास करके कि नहीं कोई और है जिसको भगवान प्यार करते हैं, मेरे अलावा भी कोई और है। संगम पे पहुंचे, एक ब्राह्मण जो है वो शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा था, उसने शालिग्राम शिला को नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया खूब, और उसके बाद भोग लगाया प्रसाद, और फिर वहां ब्राह्मणों में बांटा और नाचा कूदा कीर्तन किया, और थोड़ी देर के बाद फिर उसने शालिग्राम शिला को अपने डिब्बे में बंद किया, सब जगह सफाई की, चलने लगा। तो नारद जी ने कहा आप तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, कमाल कर दिया, मैं देख रहा हूं एक घंटे से आपको। तो वो ब्राह्मण कहता है क्या बात कर रहे हो महाराज,
मैं तो बड़ा गरीब, बड़ा मामूली सा अजना ब्राह्मण, एक घंटे यहाँ आके थोड़ी सी पूजा कर देता हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अगर देखना है तो दक्षिण भारत में जाओ। एक राजा है, वो बहुत अच्छी भगवान की सेवा करते हैं। वो दक्षिण भारत में चले गए, राजा को देखा, राजा बहुत अच्छी सेवा कर रहा था। उसने मंदिर बना रखा था, खूब बैंड बाजों से भगवान की पूजा अर्चन आरती और खिलाना पिलाना हाट भगवान के। तो नारद जी ने उस राजा को कहा, वाह वाह वाह, आप बहुत बड़े भगवान के भक्त, बहुत महान भगवान के भक्त। राजा कहता है, मैं भगवान महान भक्त नहीं हूँ, मैं तो पृथ्वी लोक का मारा हुआ हूँ। अगर भक्ति देखनी है तो स्वर्ग में जाओ, इंद्र भक्ति करता है, भगवान इंद्र के छोटे भाई बने हुए हैं। अब देखो भागवत की कथा आप लोगों ने ध्यान से सुनी है तो मैं कह नहीं सकता। इंद्र के छोटे भाई भगवान बन के आए, नाम मालूम है कौन है? हाथ खड़ा करो, इंद्र के छोटे भाई का क्या नाम है? कौन, कितने लोग बता सकते हैं जो भगवान है? बोलो तो है, बोलो जोर से बोलो। अच्छा बोलो, है वामन भगवान है। देखो ये बोली, इनके लिए तालियां बजाओ। और जो नहीं बोले उनके लिए, उनके लिए भी तालियां। कि भागवत सुन रहे हैं कितने सालों से, पर ये नहीं मालूम कि इंद्र के छोटे भाई का नाम क्या है? वामन भगवान। इनको सारे सारे हीरो का नाम पता है, और कौन सा प्लेयर कौन सा सब याद है ना? सब कुछ तो वो इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र को बड़ी तारीफ की नारद जी ने, वाह 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 आप बड़े अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं कि भगवान आपके भाई बन के रह रहे हैं साथ में। बोलते भाई तो बन गए हैं, मेरे भाई हैं और छोटे भाई हैं। राम कुमार किधर आ गए? लेकिन मैं उसको देखता नहीं, वो है कहाँ पे? और मैंने तो भगवान के लिए अपराध किया। इंद्र कहते हैं, बारिश कर दी, सारे ब्रज को डुबोने की कोशिश की, भगवान ने मुझे जिंदा कैसे छोड़ रखा मुझे यही नहीं मालूम। मैं अपराधी हूं, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, ब्रह्मा जी वो हैं असली भगवान के भक्त, भगवान ने उनको इतनी पोस्ट दे रखी है। किसकी? ब्रह्मा जी की। नारद जी चले गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की बड़ी प्रशंसा की। ब्रह्मा जी कहते हैं, तू तो मेरा पुत्र है, तूने मेरे से यही शिक्षा ली है, मैं तो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये अभिमान ना हो जाए कि मैं भगवान हूं या मैं भगवान का प्रिय हूं। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो मैंने सखाओं को चोरी कर लिया, भगवान अपने बछड़ों के साथ थे तो मैंने उनके बछड़ों को भी चोरी कर लिया। ये सोचा भी नहीं है भगवान क्या करेंगे, ये देखना चाहता था कि क्या करेंगे। तब भगवान ने मुझको अपनी लीला करके दिखलाई, जितने बछड़े थे भगवान उतने बछड़े बन गए, जितने सखा थे भगवान उतने सखा बन गए। नारद जी, मैं आज तक अपने इस दुष्कृत को नहीं भूला हूं कि मैंने भगवान के साथ कैसे ये गलत काम कर दिया। बड़ी मैंने स्तुतियां की भगवान को, भगवान ने मेरे पे नजर तक भी नहीं उठाकर देखा, बस कहा जाओ 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 बहुत हो गया। अगर तुमने देखना है कि कोई अच्छा भक्त है भगवान का, शिव जी के पास जाओ, शिव जी भगवान की भक्ति करते हैं। शिव जी के पास चले गए, शिव जी को बोला, आप बहुत बहुत ऊंचे भक्त हो, मेरे पिताजी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं कहाँ से बढ़िया भक्त हूँ,
मेरा तो दिमाग ही खराब है। क्यों? भोलेनाथ बन गया हूं मैं। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा मेरी पूजा करता है और जो मांगता है उसको दे देता हूं। कोई भी असुर जो भी कहता है उसको दे देता हूं। रावण को वरदान दिया, भगवान को मुसीबत। हिरणाक श्रीनाक कश्यप आए और पता नहीं कितने कितने राक्षस आए। अरे एक भस्मासुर था, उसने तो ये वरदान मांग लिया, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो मुसीबत मुझको पड़ गई, मेरे ही सिर पे हाथ रखने लगा। तो फिर मैंने भगवान को याद किया, फिर भगवान को मुसीबत, भगवान ने मुझे उस मुसीबत से बचाया। मैं तो भगवान को मुसीबत में डालने वाला हूँ, उनका प्रिय नहीं हूँ, इसलिए भगवान भी मेरे संग खेल खेलते हैं। जब मुसीबत आती है तो मुझे बुला लेते हैं। समुंदर मंथन हुआ, उसमें से जहर निकला तो मुझे बुला लिया, पी ले। मैंने पी लिया, गले में ला के रख दिया और इस तरह के मेरे से काम कराए। एक मायावाद का मेरे से सिद्धांत प्रचार करा दिया संसार में। मैं क्या बताऊं, भगवान किसको प्यार करते हैं अगर देखना है, अच्छी तरह से देखना है तो अयोध्या में जाके देखो हनुमान जी को। वो एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकते हुए। वो क्या कहना, हनुमान का काम चले ना राम के बिना और राम का काम चले ना हनुमान के बिना। ऐसी भक्ति है। तब वो हनुमान जी के पास चले गए। कौन कौन गए हनुमान जी के पास, बोलो जोर से बोलो। नारद जी। हनुमान जी बोले, मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूं कि मैं भगवान का ज्यादा प्यारा हूं या दूसरा प्यारा है। मेरे दिमाग में तो ये बात आती नहीं है, लेकिन एक दिन मैंने देख लिया अपनी आंखों से। जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान ने कहा कि तू अर्जुन के रथ के ऊपर चढ़ जा और अर्जुन के रथ की रक्षा कर। तब मुझे पता चला कि मेरे को जिसकी रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं वो भगवान का अधिक प्यारा है। कितना प्यारा है कि उसका क्या चला रहे हैं, उसका रथ चला रहे हैं। इतना प्यारा कि उसका रथ चला रहे हैं, पार्थ सारथी बन गए। उसके रथ को नहलाते धुलाते और उसको थाप लगाते हैं, खिलाते हैं घोड़ों को। जहां भगवान जिसके घोड़ों को खिलाए पिलाए उससे बढ़कर और कौन भगवान का प्यारा भक्त हो सकता है। नारद जी चले गए पांडवों के पास। पांडवों को बोला, तुमसे ज्यादा भगवान से को प्यारा कोई नहीं हो। तो पांडव कहते हैं, नारद जी क्यों हमसे सुनना चाहते हो? अगर आप ये कह ही रहे हैं तो सुनो अच्छी बात, अच्छी तरह से हमारे से। भगवान हमारे पास तभी आते थे जब हमारे को कोई कष्ट आता था, तो हमारी रक्षा करने के लिए आते थे। द्रौपदी को कष्ट आया, द्रौपदी ने पुकारा तो भागे भागे आ गए। हमारे को 12 वर्ष का वनवास मिला, दुर्वासा जी ने आके हमें कष्ट में डाला तो द्रौपदी ने फिर पुकारा तो आए। वो बटलोई में से एक दाना खाना निकाल के बोले, मेरा पेट भर गया है, सारे ऋषियों का पेट भर गया। फिर महाभारत का युद्ध हुआ तो हमारे घर रहने लगे और हमारा रथ चलाया। मेरी मैया कुंती जी तो भगवान से ये कहती थी कि आप हमारे पास मत बेशक मत रहो, जाना चाहते हो तो चले जाओ, हमें कष्ट दो। कुंती मैया क्या मांग रही है, कष्ट। क्यों? हमारे पास कष्ट आएंगे तो कष्टों के साथ साथ आप आओगे। हमारा भगवान का संबंध कष्टों के साथ है। बोलो, आप जाओ द्वारका में, वहां उनके बेटे हैं, वहां उनके माता पिता हैं, वहां उनके भाई बंधु हैं, वहां उनकी पत्नियां हैं। और जहां बीवी हो, यहां बच्चे हो, यहां भाई हो, वहां पे हम लोगों की क्या गिनती है। उनके पास नारद जी चले गए द्वारका। द्वारका में महल में बैठे हुए थे, सारे के सारे यादव गण वहीं पे थे। नारद जी यादवों की तारीफ करते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन भगवान वहां पे नहीं थे। कहाँ पे? राजमहल में। वो सुधर्मा सभा, उसका नाम क्या है, सुधर्मा सभा। तो आज भगवान आए नहीं, ऑफिस में एब्सेंट थी उनकी।
अब क्यों नहीं आए, आज तबीयत खराब है, अपने घर में ही है। तो यादवों ने क्या कहा कि जी भगवान हमारे पास हमेशा नहीं रहते हैं, तो किसके पास रहते हैं? भगवान के साथ हमेशा उद्धव रहते हैं। अगर प्यार करते हैं हम में से सबसे ज्यादा तो भगवान किसको प्यार करते हैं? उद्धव को करते हैं। आज उद्धव कहाँ हैं जी? उद्धव जी तो सभा में नहीं है, तो भगवान के महल में चले गए नारद जी। उद्धव जी भी वहीं, भगवान की पत्नियां भी वहीं, बहुत सारे लोग वहीं पे थे। आज एक बड़ा ही दुख का वातावरण था कि कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है, वो बिस्तर पे पड़े हैं, वो उठ नहीं रहे हैं, रो रहे हैं और तकिया गीला कर रहे हैं। तो जब रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए और वहां पे वो उद्धव जी की गान करने लगे, जय उद्धव महाराज, जय 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 उद्धव महाराज। उद्धव बोले, नारद जी आपको क्या हो गया, ठीक ठाक तो हो ना? ठीक ठाक, तुम भगवान के सबसे प्रिय हो, तुमसे बढ़कर कोई है नहीं, ये मैंने आज निष्कर्ष निकाल के रख दिया है। उद्धव जी बोले, ये मैं भी यही समझता था एक जमाने में। देखो एक बात समझना, बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान का बहुत प्यारा हूं। बोला ना मैंने, हम सब समझते हैं भगवान का बहुत, मुझे भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम चार माला जाप कर ले तो लगता है कि बाबा भगवान तो हमने खरीद लिया, और जो 16 माला करता है वो कहता है अब तो वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब भगवान का कोई ज्यादा भक्ति करेगा तब उसको महसूस होता है कि उसकी भक्ति कितनी थोड़ी है। जब उद्धव जी को नारद जी ने कहा आप बहुत बड़े भक्त हो, उद्धव जी कहते हैं मैं भी यही समझता था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन भगवान ने जब ये समझा कि मुझे घमंड आ गया है, मुझे अभिमान आ गया है, तो भगवान ने मेरा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। मुझको बोलते हैं जा ब्रज में जाके मेरे माता पिता को सांत्वना दे और गोपियों को भी थोड़ी सी मेरा उपदेश मेरा संदेश सुना दे। बोले जब मैं ब्रज में गया और वहां का मैंने वातावरण देखा, मैं उनके माता पिता के पास गया, यशोदा मैया के पास गया, नंद बाबा के पास गया, वहां देख के मैं हक्का बक्का रह गया। उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हे में मकड़ी का वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं यार, और माँ जो है लकड़ी की तरह पुतली की तरह बनी खड़ी हुई है, आंखों से आंसू भी नहीं है, और पिताजी रो रो के पागल हुए पड़े। और मैंने ये कह दिया कि तुम्हारा बेटा कृष्ण, कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं, वो भगवान है, उसके लिए मत रो। तो मेरे को ऐसी डांट लगाई, कहने की बात नहीं। बोलते पहले तो मैं रो रहा था कि मेरा बेटा गया, और अब तुम कह रहे हो मेरा बेटा नहीं भगवान गया। क्योंकि मैंने बेटा नहीं खोया, मैंने किसको खो दिया? भगवान को खो दिया। तुम मेरे को लाने आए हो या चुप कराने आए हो? बड़ा तीन बार का समझते थे अपने को, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। ये गंवार लोगों को, गांव के लोगों को चुटकी भर में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ तो उनकी चुटकी बजने की बजाय बोलती बंद हो गई। और जब वो गोपियों के पास गए, वहां गोपियों का प्रेम देखा, तो नारद जी को कह रहे हो जब मैंने गोपियों का प्रेम देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी बन गई, मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। और उसमें भी जब मैंने राधा जी का प्रेम देखा, नारद जी मैं तो सबको प्रणाम करके यही बोल पड़ा, उफ तोबा, मेरी तोबा, इस ब्रज की मैं खास बन जाऊं ना खास, तो मेरे लिए बहुत है। इन लोगों की तुम्हें चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो, धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो शायद मेरी कुछ गति हो जाए। लोग ये समझते था कि मैं कृष्ण का सबसे प्यारा हूँ, आज मैं ये समझने लगा कि इनके चरणों की धूल का एक कणा मिल जाए तो मेरी कुछ सदगति हो। और उस समय नारद जी ने देखा कि बाबा चर्चा चलने लगी, रुकमणी
से बाबा भगवान की पत्नियां वो भी बोलने लगे, हाँ सही कह रहे हैं, कृष्ण तो ब्रज को भूले नहीं है, गोपियों को याद करते हैं, सोते हमारे साथ हैं, होते उनके साथ हैं। तो सत्य भामा ने बोल दिया, हरी रात को दिन क्या रात क्या 24 घंटे वो मुनि के ख्यालों में रहते हैं, मतलब हमसे शादी क्यों करते। ऐसा सुन के कृष्ण अपने कमरे से बाहर भागे, गुस्से में आ गए, सत्य भामा का कस से डांट लगा के निकल जाए मेरे घर से बाहर। तो ब्रजवासियों की निंदा करती है, गोपियों की निंदा करती है, तुम सबसे मैंने इसलिए विवाह किया कि तुम लोगों में मुझको गोपियों की झलक दिखाई देती है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सांत्वना ग्रहण करता हूँ और तुम लोगों की निंदा करता हूँ। और क्या है कि वो ब्रजवासी को याद करके मूर्छित हो गए, कृष्ण मां मूर्छित, नारद जी देख नहीं ये सारा, अब कृष्ण को कैसे होश मिलाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक आर्टिफिशियल वृंदावन बना दिया वहां पे, और उस वृंदावन में आर्टिफिशियल मूर्तियां यशोदा की, गोपियों की, गोपियों की, और वहां बलराम जी जो थे वो ब्रज के बलराम जी बन के छटा लगा दिया उन्होंने सिंह हाथ में ले लिया। और कृष्ण कहते हैं अरे कन्हैया गाय तो राम ही नहीं जाना, वो मूर्छित पड़े थे, उनको होश नहीं था, जब उन्होंने कहा गाय चलाने जाना है तो कृष्ण मूर्ति गाय चलाने जाना, इसलिए उठ गए, आए थे ना उठ गए, चल पड़े, देखा भैया मक्खन निकाल रही है, वो भैया नहीं थी, भैया की क्या थी मूर्ति थी, भैया के पास पहुंचे, अरे भैया जी भैया आज तो कमाल हो गया, बताए रात में मैंने सपना देखा, सपने में क्या देखा कि मैं ब्रज से मथुरा चला गया, मथुरा से द्वारका चला गया, द्वारका में जाके 16,108 महिलाओं से शादी कर डाली, और मैं गांव की जगह ब्रज में छोड़ के द्वारका में रह रहा हूँ, मेरे तो प्राण ही निकल गए, अब मैं होश में आ गया, ये सपना देखा। किसको कह रहे हैं? वो मूर्ति, वो स्टैचू को, होश में तो आ गए लेकिन मूड कौन सा हो गया? ब्रज का मूड हो गया, द्वारका का मूड सपना बन गया। थोड़ी दूर आगे गए तो समुद्र दिखाई दिया, बोलते ये क्या है? अरे अब तो द्वारका में ही है क्या? ये देखकर बलराम जी मुस्कुरा दिए, कृष्ण को फिर याद आ गया, अरे नहीं मैं ब्रज में नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं तो द्वारका में। वापिस आ गए, नारद जी को बुलाया, नारद जी को बोला तो मेरे से चुप क्यों रहे हो? नारद जी कहते मैं डर गया, मेरे कारण आज आपका ये हाल हो गया। बोलते नहीं, तुम्हारे कारण मुझको ब्रजवासियों की याद ताजा हुई, तुमने मुझे ब्रजवासियों की याद ताजा कर दी, तुम मांगो कोई भी वर मांगो। नारद जी ने ये वर मांगा कि आपको आपकी कोई कथाओं को सुने तो चपेट ना भरे, ये वर मांग लिया, लेकिन वो भक्त होना चाहिए, कोई भी भक्त आपकी कथाओं का सुने तो उसका मन कभी ना भरे। और सुनाओ, भगवान कहते हैं मेरी कथा और भक्ति में तो है ही कौन ऐसा कि जितना सुने उसको तृप्ति नहीं हो। और मांगो, बोलते हैं अभी मैं ये वर मांगता हूँ कि आपके लीला स्थली में कोई जाए और वहां आपकी कथा सुने और बाकी और ये निर्णय निकाला कि भागवत का कथा का सार ये है कि समस्त भक्तों में भक्त शिरोमणि है ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों में विशेषकर गोपियां और गोपियों में सिरमौर कौन है? राधा रानी।
और भागवत का सार राधा राधा ठीक है गौर प्राण नहीं करना चाहिए।
चार चीज को जोड़ो, मतलब चार चीज क्या जोड़ेंगे, मतलब पहला एक अलग है तुलसी की, और हर घर घर में ये तुलसी वृक्ष, तुम्हारे घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए, जिसके घर में तुलसी वृक्ष है लक्ष्मी और उसी घर में भगवान ही निवास होता है, रोज तुलसी की सेवा और प्रार्थना करना। दूसरी चीज है पिता की रखना, क्या रखोगे, कौन कौन एक व्रत रखते हो, प्रभु जी क्या बात बताए, ज्यादा छोटी बढ़ गई, संख्या बढ़ गई है, इसलिए प्रभु की बड़े खुश है, आप लोगों को देख रहे ना, प्रभु जी बड़े खुश हो रहे थे, वो सचमुच से घर बन गया, इसकी भक्ति की घर बन गया है, सोच में पता नहीं इतने भक्त लोग नहीं दिखते, जितने घड़ी के भक्त बिल्कुल दिख रहे हैं, इसलिए सबके समय एकादशी व्रत जरूर रखना, क्योंकि जो एकादशी व्रत है इसको कल का तरु व्रत बताया, मतलब जो कुछ आत्मा एकादशी व्रत से वो सब चीज मिल जाती है, एक व्रत का नाम एक पुत्र का, कृष्ण कैसे हुए, उन्होंने एकादशी व्रत से पुत्र प्राप्त किए, एक का नाम है पाप मोचन, जिसको करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, एक का नाम है कामदार, जिसको करने से सारे कर्म का रास्ता पूरे हो जाते हैं, एक का नाम है मोक्षदार, जिसको करने से जीव जन्म मृत्यु से जीव में भगवत गति प्राप्ति होती है, एक का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, एक का नाम है पाप मोचन, जो एकादशी व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई राजस्थान में कोई है, यहाँ पर राजस्थान में कोई है, हाथ उठा दो भाई, इसलिए राजस्थान में एक नियम है, अगर किसी कोई व्यक्ति एकदम मृत्यु संख्या में लेटा हुआ, प्राण नहीं जा रहा है, साल साल तक पड़ा हुआ बिस्तरा में, अगर किसी ब्राह्मण को बुला हुआ सबकी जल्दी कैसे होगी, उसने उन्होंने वही बाल व्रत करना नहीं पड़ेगा, एकादशी व्रत करके फल दे सकता हूँ, एकादशी व्रत करके फल देते ही उसकी पाप नष्ट हो जाता है। युवक हो गया था, एक व्यक्ति दो साल से हॉस्पिटल में करते, उसका शरीर एकदम हड्डी हड्डी आ गया, बीस साल उसका शरीर नहीं था, लेकिन प्राण नहीं जा रहा, करोड़ों करोड़ों पैसा खर्चा हमने हॉस्पिटल में, जब मैंने गया मेरे को लेकर के हॉस्पिटल में गए, बोले बाबा इनकी संगति गई होगी, बहुत पैसा खर्च हो गया, मैंने कहा सब लोग एकादशी व्रत करके सब फलों से बची हो जाएगी, कल दस दिन बाद में आएगा, आज ही संकल्प करो, उसी रात में ही सर्जरी की, उसी रात में हमारे वृंदावन में एक ट्रक से एक गैया की आंखें निकला, आंखें हड्डी टूट गई, बड़ी झटपट कर गई, क्योंकि अमेरिका से कोई भक्त था, हमारे बड़े गुरु जी को बोले गुरु जी कैसे थे, गुरु जी बोले एक काम करो, उसको कानों में जाकर के बोल दो मैं एक एकादशी का व्रत तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कुछ लोग का कुछ भ्रम है, अरे वो एकादशी तो विधवा वही कर सकते हैं, भागवत में अंबरीश महाराज का साथ में पति पत्नी करते थे, नंद यशोदा करते थे एकादशी, इसलिए द्रौपदी कुर्ती को साथ में कर सके, इसलिए एकादशी आठ साल से लेकर के अस्सी साल तक, लेकिन और ये भ्रम है, लेकिन इसका उद्यापना करना पड़ता है, इसका उद्यापना नहीं है, हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापना नहीं है, भक्ति जगत में कोई उद्यापना नहीं है एकादशी की, क्योंकि भक्ति उतना भगवत प्राप्ति होता है, ये हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने का कोई उद्यापन करता है, मेरी बात समझ आ रही है, सांस लेने का मतलब इसके बाद सांस लेना बंद करेंगे, तुम्हें एक ही बार होता है सांस लेना बंद नहीं करते, सांस आना बंद हो जाता है, एकादशी का भी उसी समय होता है, एकादशी जरूर करनी चाहिए, एकादशी का दिन करने में गोहत्या अरहत्या ब्रह्मत्या सबके सब बड़ी से बड़ी बात एकादशी का दिन करते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप धुलना पड़ता है, सारे पाप से मुक्ति, लेकिन एकादशी का दिन अन्न खाने से कोई मुक्ति नहीं, जरूर आप लोग एकादशी व्रत करना। चौथा
प्रताप जी के हमारे कार्यक्रम में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए, जैसे लड्डू गोपाल जी राधा कृष्ण सब के कार्यक्रम में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर मंदिरी हो, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर ठाकुर को सेवा पूजा हमारे कार्यक्रम में होनी चाहिए, ठीक है ना, भगवान की सेवा पूजा। और जो चौथा चीज है भगवान की सबको प्रभु का नाम जप करनी चाहिए, ठीक है। अगला शब्द है हम लोग ठाकुर को बोलो बोले हे इस बार मान और भाव से आप लोगों ने हर तरह से हमारी काली माता घर में गई है, इसलिए आप लोग इस बार एकदम तन मन धन से हर तरह से आप लोग इसी भागवत कथा में आप लोगों ने मदद की। इसलिए देखो हमने एसी का शोक छोड़ करके, टीवी का शोक छोड़ करके, सारे आराम को छोड़ करके आप लोगों ने यहाँ पर दिन दिन चर्चा ही करना आप लोगों ने बैठा। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या आप लोगों ने की। इसलिए मैं आप सभी गरीबवासियों के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवान गरीब राशि को संतोष भक्ति का घर बना दे और सबके घर घर में हरि कीर्तन हो, हरि नाम हो और आपका जीवन हरि बोल की दृढ़ता और बढ़ जाए, आपका घर गुल्लक का दरवाजा बन जाए। पहले मैं बताया ना पीढ़ी से जो एक की लड़कियां दूसरे जगह में शादी करने के लिए गए ना, ये लोग भी इतना प्रचार किए कि गरी नाम सुना करके दूसरे जहाँ जहाँ तो थोड़ा आली यहाँ से लड़कियाँ आली गाँव में वहां पर कथा शुरू हो जाए, हम कहीं कहीं वहां पर सबके साथ भक्ति करना शुरू करती हूँ। इसलिए हम लोग जा जा करके पूरा ऐसे करो जैसे पूरा जो अगला गुजर समाज है, हम लोग गुजर है ना, इसलिए आप गुजर है कृष्ण गुजर और गोपियां गुजरिए, सचमुच से हम लोग पूरा समाज सचमुच से भगवान की गोपी बन जाओ सबके साथ, ठीक है। आप लोग हम लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ, इतना जोर हम लोग अभी इसी कथा में हमारे जो बजाने वाले सिद्धा प्रभु जी बड़े सुंदर पैर बजाए, श्री मनमोहन प्रभु जी और हमारे श्री श्याम सुंदर प्रभु जी गोस्वामी बन सके, अंगुल के कान को पर आप लोगों ने खूब लगे लगा, और हमारे श्री जीवन ज्योति प्रभु जी जनार्दन प्रभु जी आपका जो वीडियो है ना सारा दुनिया में जा रहे हैं, आप लोग क्या कथन सुन रहे हैं ना, वो विदेश का लोग पहले बैठे देख रहे हैं, हमारे मन से फोन आता है हमने बहुत सारी जगह पर कथा सुनी, लेकिन फिर भी इतने भक्तों लोग कथा सुनने के लिए आपके मेरे पास में बोल आता है, इतने लोग कथा सुनने के लिए सबके से आपको तो ना विदेश में भक्त लोग देख रहे हैं, सारा दुनिया आपको देख रहे हैं, तो चल रहा है ना सारा दुनिया आपको देख रहे हैं, इसलिए आप इसके लिए भी जोरदार ताली बजा। और टीवी के सामने जो हमारे जो माई के वाले भैया है जो बड़े सफल हुए हर जगह पर हमारे साथ में जाते हैं, कई भी कथा भी हमारी दो दो कथा हो रही है, सवेरे 10 से 1 बजे तक दो बज जाते हैं और यहाँ से 5 से लेकर 8 बजे बज जाती है, इस दोनों जगह पर हर जगह पर हमारे भाई का व्यवस्था करते हैं और हर तरह से बजाते बजाते उनको आदत होती है, मतलब कई से क्या करना नहीं करना बोलने से पहले जो सही कर देते हैं, इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और अभी आपको राम कुमार प्रभु की कथा में आप लोगों ने अच्छे तरह से सब मदद किया, ये आप सबको उतना था सबका था नाम लेंगे सब उतना आशीर्वाद देते ज्ञान अंजना चक्षुरों में तस्मै श्री गुरु
हमारे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत महाराज के चरण द्वारा अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ और उनकी आहुति की कामना की वंदना करता हूँ। सभी वैष्णव वैष्णव और भक्तों के चरणों में अपना युद्ध योग प्रणाम करता हूँ। यह हमारे तीसरी बात है वैसे भी ये कथा के सब इस बीच दो कथाओं से पहले हमारे बिजु भाई हैं उन्होंने अपने सामर्थ्य से उन्होंने अपने सामर्थ्य से कराई कि महाराज जी का कि भाई कथा लेना भागवत कथा आप गांव के बीच में और सभी गांव को लोगों का इकट्ठा करके करवा तो हमारी है उसके बाद दो दिन बाद यह मैंने जो तीन बाबत कर रहे हैं इससे पहले हमने बाबत करा कर कराई थी वो पार्ट में कराई थी तो उस समय भी और आप जो तीसरी कथा में जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है मेरे जो कमेटी भाइयों ने मुझे दिया और बाद में आप फाइनेंस का देखो उनकी बड़ी मेरे लिए उन्होंने भरोसा दिखाया मेरे मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज इसके लिए भी ताली बजा मुझे जो अनुभव हुआ थोड़ा विचित्र रूप बहुत प्रशंसनीय अनुभव हुआ महाराज जी जिसके पास भी हूँ हम तो पुरुष हैं तो हम महिलाओं के घर में नहीं जाते थे घर में नहीं जाते थे गिनती के लोगों के पास ही करना के गाने के लिए जाते थे लेकिन हम हमें सभी सहयोग करते इस बार हमने अपने गुरु करने उनसे कहा कि भैया हम सबके घर जाएंगे और नौका देके आएंगे हमारे भी बुलावा कहते हैं सबको बुला के लाओ कि भागवत कथा हो धन के लिए किसी से मत करो धन वो अपनी चल से देंगे देंगे क्यों तो वह कहेंगे कि हमारी बात हमारे जी यही हुआ हमें हर तरफ से हर किसी ने धन दिया हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोगों ने हमें सहायता दी और ये बड़ी बड़ी मात्रा में आप लोगों ने हमें दी कि इसका प्रमाण है कि आप पूरे गाँव में पूरे गाँव में से कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें हमें सहायता नहीं लेकिन कुछ लोगों ने जो मैं तीन साल से देख रहा मेरे मन पे हमें ख्याल छोड़ी जैसे मैं उसमें दो उदाहरण लगा देता हूँ एक मेरे मित्र हैं मेरे साथ के ही डॉक्टर होंगे डॉक्टर साहब कहते हैं हमें तो मेरे छोटे भाई उनकी माता भी घटने हैं महाराज जी जब भी मैं उनके पास गया ना उनके सब नहीं बता सकते कि मुझे सेवा बताओ
उनके ही ठीक हो, उन्होंने 1 किलो का डिब्बा 1 किलो से ज्यादा का प्रोजेक्ट हुआ होगा भर के दिया। मैंने अपना पूजारी जी का पूजारी जी किस दिन की ये दीपा लगाएंगे, हमारा किसी और चीज में काम आ जाएगा, ये दीपा लगाएंगे। तो उनका प्रेम भाव है, कभी छोले बनाने दिए, कभी खीर के खीर के लिए खीर बना देते हैं। महाराज जी सेवा ढूंढती है, हिम्मत जो जो योजना है वो बहुत दी जाती है, जो बनती देखी जाती है। ऐसी जैसा मैंने बताया कि महिलाओं से पैसा मिलाना पड़ा, लेकिन हमें प्रेम कर दिया इस बात में, हमारी महिला पार्टी है, मंदिर पार्टी है, उन्होंने पाई पनीर का खर्चा स्वयं दे दिया और छड़ी लगाना देने में। ये कुछ उदाहरण है जो हमें ठग करते हैं। एक तो हमारी गांव की माता है, उसने सामग्री लाई प्रसाद की और नाम मैंने पूछा बताओ जी किसके लिए लिखा, तो किसी के सामूहिक है, इस पर लिखना चाहूँगा। तो कह रहा कि नहीं मेरे को ही लिखवाना, मेरे को लिखवाना ही नहीं, फिर मैंने जोर दिया तो मैं तो अमित का लिखा, अब मुझे ये नहीं पता कौन है। इस तरह से हमें करते हैं, जाति भाभी दया आती है, दया आ रहा है, अरे सत्तो है, गेहूं भाई भाभी भाई सत्तो है, कुछ लोगों ने अधिक सहायता दी जिनके मैं नाम बोलूंगा। सबसे पहले मैं जो हमारे गुरु बने हैं उनके नाम बोलूंगा, मैं ये कृपा बोल रहा हूँ कि मेरे गुरु से बनाऊंगा। जिन लोगों ने सबको भेजा का जो बुलाया है मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, मैं उनका नाम बनूंगा। पहले इस भागवत कथा की जो लोग चलाई है उनसे कहता जी ने, कालमी जी ने, जिंदा जी ने, सीमा जी ने, पुष्पा जी ने, अनिता जी ने, पंडित जी ने, नीलम जी ने, संतोष जी ने, जिंदा जी ने और गीता जी। हमने एक स्पेशल उदाहरण दूंगा महाराज जी, रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से मैं बन के जाते नाम बोलता हूँ बता दें, और रोज जो भी कहा जाता महाराज जो भी पैसे देखे जाए, ये हमारी गुरु बहन है, रोज पैसे देखे जाएंगे मुझे नाम नहीं बताएंगे। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं नीलम का देवर हूँ, मेरी मस्त हो गया है जीत भाई, मुंडक भाई हमारे पास बड़ी भागी हूँ, मैं तो कर्म से पागल हो रहा हूँ कि मैं गरीब में ज्यादा हूँ, चर्ची का लड़का हूँ, दादी मैं गरीब हूँ, हमारे हमारे एक इंद्रक का नाम नहीं जानता, इन्होंने पानी की सेवा की है, कोटि के बुजुर्गों को पानी पिला रही हूँ, बहुत अद्भुत देखने को मिला। महाराज जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, महिमा है इसमें अगर आप एक नाम करें तो 100 नाम का पद मिलता। महाराज जी ने स्वयं मैं स्वयं फोन करके कथा का समय दिया, महाराज जी के पास समय नहीं है, मित्र समय जाते हैं आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, तो इन्होंने हमें स्वयं कि नहीं मैं गाड़ी में कथा करूंगा, इस समय हमारे मिट्टी यात्रा चलती है उनके बेटी अश्वेता, उनके बेटे हर्ष, विनोद भाई का बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ किसी का नाम बोल रहा हूँ भूल जाते हैं। हमारे चाचा जी, भाई महेंद्र जी, भाई केशव भाई, नंदू भाई, मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने दो संख्या अपने सामर्थ्य से की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ दो हजार का उसको करना। संजय पटेल मेरे बड़े भाई हैं, संजय पटेल देख रहे हैं आप गोवर्धन महाराज जी क्या सम्मान कलाकारी से कितना सुंदर बना है, बहुत सुंदर अद्भुत अद्भुत सेवा का है। सुबह आ जाते हैं, रात को जाते हैं, सारे दिन अकेले लग जाते हैं, मैं रोटी भी चला जाता, कोई भंडारी का काम देखते हैं, महाराज मंडी जाता है, फिर वहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, वितरण करवाते हैं, हर किसी को मिले ये सुनिश्चित करते हैं, जो कमेटी के नेता उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और सबके लास्ट में मेरे साथ जब उनको छुपा देते हैं तब जाके उनसे गंगा का आराम करते, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोला भाई अद्भुत ही बोला, मैं उनको धन्यवाद।
जगन्नाथ
हम चार बजे आ जाएंगे ना, चार बजे पांच में कथा सुनेंगे, फिर पांच के बाद में जगन्नाथ झूलेंगे। हम चाहते हैं तीन तीन में जब सारे दुकान खुला हो रहा हो, सबके सब दर्शन करें जगन्नाथ जी को और सबके सब लाभ उठाओ। जगन्नाथ जी आग निगम काम नहीं होता है, मतलब उनका दृष्टि जहां तक इनकी दृष्टि जाएगी पूरा वहां मंगल मंगल हो जाता है, इतने दूर तक हम दृष्टि चले जाए। देखो जब से जगन्नाथ जी रथ यात्रा कर रहे तब से आप सबके सब ज्यादा जुड़े थे, जगन्नाथ जी रथ यात्रा से भी जुड़े थे, लेकिन इतना नहीं एक बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा होगा ना सबके सब बुला लाएगा। इसलिए कल एकदम प्रसिद्ध करना चार बजे आना और कौन सा साड़ी पहन कर जाओ, एक रैंक होनी चाहिए, दो रैंक होनी ठीक है, एक रैंक होनी चाहिए
गिरिराज कौन है जो भगवान का प्रेम जब जम जाए, भगवान के प्रेम जब एक एक हो गए जम जाती है, ये गिरिराज नहीं, ये भगवान का प्रेम के जम वाले है, ये गिरिराज के तीन रूप है, एक रूप ही भगवान साक्षात कृष्ण है, भगवान कृष्ण माया से कर्म तपस्या की कृष्ण बोले क्या चाहते हो तो प्रभु कृष्ण अगर पत्थर के रूप में जन्म हो जाए आप हमारे सर के ऊपर लीला करना जीवन अच्छे हो जाएगा, ब्रह्मा ब्रह्म के रूप में जन्म हो जाए शंकर की अगर अभी स्वर पर्वत रूप में भगवान विष्णु ईश्वर के बाद रूप क्या है इनका पहला रूप है, दूसरा रूप क्या है ये गिरिराज ये स्वयं भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही ये गिरिराज की रूप धारण किया, तीसरा स्वरूप क्या है यदि गिरिराज भगवान के सबसे बड़ा भगत है, प्रभु यही पर भेजा चढ़ाए यही पर झरना का कार्य करते हैं, फल फूल खाते हैं नाश करते हैं उनके पुण्य में मिला करते हैं, इसलिए गिरिराज केवल सबसे बड़ा भगवान की सेवक है, एक समय भैया जसोदा रात भर लड्डू बंदर पान पूरा बना रहे थे, कृष्ण बोले भैया भैया कल क्या मेरे जन्मदिन की बोले नहीं बोले काल की बोले नहीं बोले थे ये बाबा के पास गया बोले बाबा ने क्यों भैया रात भर बना रहे थे बोले बेटा हमें तो बहुत ही पूजा करेंगे बोले इंद्र कौन होता है बोले स्वर्ग का राजा हम सबके साथ वाला प्रमोल होने के लिए आ रहे हैं ये इंद्र बारिश से करके बड़ा पानी खास होता है पिताजी हमारे प्रति का देवता ये धन्यवाद है इनके आशीर्वाद से सब चीज हमें मिल रहा है हम सीधा कहा जाते हैं गिरिराज से बीज जो होता है चंदा करके गिरिराज से उसका नाम बढ़ गया बीच में जैसे प्रसाद करने का साथ साथ सब लोग भाग जाते हैं
अब जब रुक्मणी बाहर निकली, अब
अपना भगवत को उतार मेरे प्रिय को मकान रुक्मिणी कौन जगत मा जगत मेरी माँ लक्ष्मी वो इतने सुंदर थी इनकी सुंदरता को देख कर भी कितने लोग इतना भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए कृष्ण होकर के रुक्मिणी का हाथ बोल करे और लक्ष्मी बैठा भगवान को इतने में जब वो आए बोले रुक्मिणी का बोले किसका था वही को लेकर के चला गया बोले मारो मारो कृष्ण को जगह सावर भैया आ गए कोई चिंता मत कर निपट लेता स्वागत आ गए बड़ी धूमधाम से कृष्ण शादी हुई अभी कृष्ण देखो जो भागवत का जो सार है भगवान का नाम क्या सार है ठाकुर जी का नाम ही ये पूरी भागवत का सार है जैसे आप लोगों ने सात दिन का कथा संक्षेप अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि ना रहे भगवान के नाम को अगर जप कर लिया समझना ये पूरी भागवत कथा अगर सात दिन से हर पल कथा सुनते अभी भगवान के नाम जप करने में तुम्हारी कोई रुचि नहीं तो दुनिया किसी कितना इधर सुना उधर इधर सुन करके ऐसी कथा को निकाल करके हिंसे चला जाती यहाँ से सात दिन कहीं नहीं सब यही छोड़ कर इसलिए क्या करनी चाहिए कल मैंने कथा सुनाया ना राका की चार रानिया कौन सा रानी साथ में गई कौन सा नंबर की चौथी नंबर की चौथी नंबर क्या भगवान की नाम ही साथ में जाएंगे इसलिए संस्कृत संत ठाकुर जी के नाम चल रहा है ठीक है आपको जो माता है आप एक तीर्थ मंत्र लेकर गए जो अपने हरिनाम लिए और पहले उनको तीर्थ मंत्र लेना चाहिए कपड़ा वस्त्र तभी मंत्र पूरी होता है जो मान नहीं आओगी अभी जब कथा खत्म होगी ना यहाँ से अगर माला ले लेंगे आपको नींद माला देखना इसमें जब करते लेना जब आप अच्छे तरह से एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे देखो जो माला लोग कहीं से माला जप करके देख लो एक माला तो जप कराया था मेरे तरफ से देख लो इसको जप करोगे जैसे ये माला है देखो ये राधा कृष्ण का स्वामी है भगवान को बीच में रखा है रास कर रहे हैं इसलिए ये बंदी को उसमें तक नहीं करना चाहिए क्यों ये करना हम ये सबसे पहले निकलता है हम लोग पहले बाहर निकालते हैं ये बीच वाला हम लोग ऊपर बैठ सकते हैं जैसे हरे कृष्ण बोल कर साथ में हरे कृष्ण हरे कृष्ण घुमा करके फिर दूसरे तरफ माला करना इसलिए कोई कहना महाप्रभु बोले ना जब महाप्रभु को बोले तुम्हारे घर में भोजन है महाप्रभु के ना बोले सबके घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ बोले किसके घर में खाते हो बोले जो लखपति बने बोले हम तो कभी लखपति बन नहीं सकते हैं बोले जानते हो असली लखपति कौन है बोले कौन है बोले रोज जाना जो एक लाख हरे आप जब करते हैं वही असल लखपति है इसलिए देखो जितने महाप्रभा अंकल हो गए ना यहाँ पर बैठे हुए सब माला पास में जानते यही कदम है आगे और कोई कदम है हमारी आने वाले दिन से जाते समय जिनके पास में माला नहीं लेकर माला ले लेना इसलिए माला कृष्ण को ले गुरु वृंदावन बिहारी।